यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा दिल किया मुझे किस करने का, तो तुम वापस आ गए। मुझे दिल किया तुम्हें हग करने का, तो मैं नेक्स्ट ट्रेन पकड़ के आ गई यहाँ पर। हे, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। अभी मैं नहाने जा रहा हूँ। आज मैं भी तुम्हारे साथ नहाऊंगी। मेरे आने के बाद तुम चली जाना। नहीं, मैं नहाऊंगी। क्या बात कर रही हो? मेरे जो दिल कह रहा है वही बोल रही हूँ। जब हम दोनों प्यार करते हैं तो हमारे बीच में पर्दा किस बात का? ओके, जब हम सब कुछ शेयर करते हैं तो साथ में नहाने पर किस बात का एतराज है? एक ही शावर के नीचे अगर हम नहाए तो गलत क्या है? हाँ? सो? ये रोलिंग देख देख कर मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है। वैसे ये गिरी क्यों नहीं? गिर गई। अरे रे 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 मैडम, चोट लग गई क्या? हाँ। क्यों नहीं लगेगा? 3 बियर, सिगरेट, रूम बुकिंग, बाथटब, रोपिंग, रोलिंग। तुम्हें भी यही सपना आया था क्या? मुझे नहीं, रोज रोज तुम्हें ही सपना आता है। तो क्या करूं? मैं उससे प्यार जो करती हूँ। तो इसमें मैं क्या करूँ? एक ही सपने को जिंदगी भर चलाओगी क्या? ऐसा रहेगा तो नहीं चलेगा, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। सर सर सर, आपका घर डूब गया सर। पानी तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। आप मजाक अच्छा करते हैं लेकिन हंसी नहीं आती। घर डूब गया इसका मतलब पानी घर में नहीं आया। आपकी बेटी प्यार के सागर में डूब गई। प्यार में ऐसे ही होता है। इसका मतलब वो किसी के साथ होटल में पब में डांस करती रहती है, ऐसे सपने देखती रहती है। वेरी गुड, खर्चा बच गया। पापा मुझे 1,00,000 रुपए चाहिए। 1,00,000 किस लिए? पापा मुझे कल्याण को आई लव यू तीन शब्द बोलने के लिए 1,00,000 रुपए चाहिए। अगर 1,00,000 रुपए नहीं मिले तो नहीं मानोगे ना? पापा, ग्रैंड पार्टी अरेंज करूंगी, सारे फ्रेंड्स को बुलाऊंगी और सबके सामने कल्याण को आई लव यू कहूंगी। बिंदु, कल्याण को आई लव यू मत बोलना बेटी। क्यों? बोलने के लिए किसी और को बुलाया। अरे जरा तू अपना मुंह बंद कर। मैं ऑलरेडी लेट हूँ पापा, आखिर उसे कब प्रपोज करूंगी? अभी अच्छे दिन नहीं है बेटी। आपके अच्छे नहीं है। इन 3 महीनों में अच्छा मुहूर्त नहीं है और इन 3 महीनों में कोई भी काम करोगी तो सक्सेस नहीं मिलेगी। ये क्या पापा, आज के जमाने में अच्छे बुरे मुहूर्त से कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डजंट मैटर। शादी के लिए अच्छा मुहूर्त हो ना हो चलेगा, लेकिन प्यार के लिए अच्छा मुहूर्त होना आजकल बहुत जरूरी है। तो फिर आप बताइए मैं क्या करूं? अभी 3 महीने के लिए रुक जाओ। आप रुकिए मत मैडम, 3 महीने तक अपने सपने को जारी रखिए। गुड सजेशन। ओके पापा, मैं जाके सपने देखती हूँ। अरे बाप रे, क्या मैनेज किया है आपने। इन 3 महीनों में उस कल्याण का तो कल्याण ही हो जाएगा। अरे बेवकूफ, मेरा होने वाला दामाद कल्याण ही है। कल्याण को क्या समझ रखा है, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन चक्रवर्ती का भाई है। उसकी फैमिली कितनी बड़ी है तुझे क्या पता? क्या कर रहे थे? मेडिटेशन कर रहा था। मेडिटेशन बैठ कर किया जाता है, खराटे लेकर नहीं। सर मैंने शुरुआत बैठ कर ही की थी लेकिन कंसंट्रेशन की वजह से मैं लेट गया था, लेकिन खराटे कब लिए मुझे याद नहीं आ रहा। छोटे मालिक जल्दी उठिए, बेड ब्रांडी तैयार है। किस बात के लिए? इतने अनट्रेडिशनल घर में मुझ जैसे की सेवा करने वाली एक ट्रेडिशनल तुम ही तो हो। सच में तुम सुपर हो। आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि पिछले जन्म में हमारा कोई गहरा नाता होगा। वैसे पिछले जन्म में तुम क्या रही होगी? क्या रही होंगी? कुत्ता रही होंगी। कुत्ता क्यों? वो क्या है ना, मैं इस जन्म में इतनी वफादारी से काम कर रही हूँ तो पिछले जन्म में कुत्ता ही रही होंगी। कुत्ता नहीं, सुना तुम मेरी गर्लफ्रेंड रही होगी। दरवाजा इस तरफ है सोना। मैंने तो देखा ही नहीं। सोना, 1 more cup please। छोटे मालिक के लिए एक पैक कॉफी। एक पैक?
बैग कॉफी। इसके पहले तू बार में काम करती थी क्या? आज तो महाशय बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। श्रीमती जी भी काफी सुंदर लग रही हैं। नई नई शादी हुई तो हॉलीडेज करते थे और अभी हर वक्त वर्किंग डेज। तो फिर छुट्टी ले लूं? ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मेरे लिए छुट्टी ले लेंगे। मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ। चलिए नाश्ता कर लीजिए। चलिए। कल्याण जाते जाते विश तो करते जाओ। भाभी क्या बात कर रही हो, अगर अभी विश करूंगा तो एक घंटा लेक्चर देंगे। देखो कल्याण उन्हें बुरा लग जाएगा। मैनेज करने के लिए आप तो हो ना भाभी, आप ही कुछ बोल देना। ये सब क्या है? ट्रैफिक पुलिस वालों के दिए हुए आपके भाई के चालान है सर। इतने सारे चालान? ये तो लास्ट मंथ के हैं सर। हर मंथ करंट बिल आने से पहले ही चालान आता है सर। भाई साहब को वेट करना अच्छा नहीं लगता है ना सर, तो कभी भी किसी के लिए वेट नहीं करते हैं सर। तो फिर मामले ट्रैफिक सिग्नल के लिए क्यों वेट करेंगे सर? तुम इधर ही रुको, मैं मीटिंग अटेंड करके आता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। hey, कौन हो तुम? जिसका नाम लेते ही मेंटली माइंड ब्लॉक हो जाता है वही है ओम राजा। सर 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 एक मिनट। राजा हो या भिखारी हो, क्यों परमिशन लेकर ही अंदर आना है, समझ गया तुम? ओम राजा एक ही बार बोलता है। टाइम भूल जाता है क्या? नहीं सो जाता है ना। बेवजह की बकवास मत करो, आधे मिनट में अगर तुमने अपनी पहचान नहीं बताई तो ये तुम्हें मार देंगे। नेम सर ओम राजा, डिटेक्टिव नंबर 007 है क्या? नहीं अगेन 0। तीनों 0 है तो काम करोगे या सोओगे? ओम राजा। यस सर। मैं तुम्हें एक जरूरी काम सौंप रहा हूँ, ध्यान से करना। बोलिए सर। मैं बिजनेस के टेंशन में अपने भाई का ठीक से ख्याल नहीं रख पा रहा हूँ। वो ठीक से है या नहीं, उसकी डेली एक्टिविटीज क्या है, उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। इसलिए तुम्हें उस पर नजर रखनी है। मैं ये सब उसके प्यार और जिम्मेदारी की वजह से कर रहा हूँ। तुम डिटेक्टिव हो, अच्छी तरह कानो कान पता नहीं चलेगा सर, ये मेरी जिम्मेदारी है। आपके भाई की रिपोर्ट बहुत जल्द दे दूंगा आपको। ओमराज ये गुस्सा थोड़ा ज्यादा है। ओके सर, मुझे भी कॉन्फिडेंस थोड़ा ज्यादा है सर। कोई बात नहीं, गो अहेड। थैंक यू सर। ओके। वाओ, लड़की पकोड़े की तरह है। कौन है आप, किससे मिलना है? मुझे कल्याण जी से मिलना है। तो पहले मुझसे मिलना होगा। तुम कौन हो, अभी बंदर से आदमी बने हो क्या? Who are you? मैं इस घर का बावर्ची हूं। मेरे लिए भी खाना बनाना। आप कौन है? मेरा नाम ओम राजा है मैडम। कल्याण जी के लिए एज अ केयर टेकर चक्रवर्ती जी ने मुझे अपॉइंट किया। कल्याण के बारे में आपको सब पता है ना? मुझे खुद अपने बारे में नहीं पता, कल्याण जी के बारे में क्या पता होगा? तो फिर हो गया तुम्हारा काम। तुम चुप रहो, कल्याण अंदर है, आप जाइए। थैंक यू मैडम, गुड बाय। संभल कर जाइएगा। कल्याण जी को कुछ भी नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है मैडम। उसकी नहीं आपकी बात। एक्सक्यूज मी, आई एम ओम राजा, आज से मैं आपका केयर टेकर हूँ। आपके ब्रदर ने मुझे अपॉइंट किया है। केयर टेकर? हाँ। तू मेरा क्या उखाड़ लेगा रे? आप क्या उखाड़ने वाले हो ये मैं उनको बता दूंगा। आपके मन में क्या चल रहा है मैं चुटकी बजाते बता दूंगा। अच्छा हाँ। ये कॉन्सेप्ट तो नया लग रहा है, तुम यहीं पे रुकना। हाँ? मैं नहाकर आने के बाद तुम पर कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। ओके। अरे मुझे टॉवेल चाहिए था, ये तुम्हें कैसे पता चला? नहाने के बाद हर किसी को टॉवेल की जरूरत पड़ती बेवकूफ। You're a genius. ये सब तुम्हें कैसे पता चल जाता है? टीवी के सामने बैठ के कोई टीवी ही देखता है, उसमें पता लगाने वाली कौन सी बात है? क्या ट्विस्ट है यार? दिमाग खराब हो रहा है, नाश्ता मांगने से पहले नाश्ता ला कर दे दिया। You're a great man. अरे बेवकूफ, डाइनिंग टेबल पर कोई भी बैठेगा तो खाने के लिए बैठेगा ना। ये तो कुछ ज्यादा ही बेवकूफ है, इसे जल्दी से कैच करना पड़ेगा। सर किधर जा रहे हैं सर? इतना कुछ पता कर लिया, ये पता नहीं कर पाए। यूजलेस फेलो, जल्दी से पता करो और वहां पहुंच जाओ। ये मामूली पागल नहीं है, ये तो पागलों का भी बाप है। किसका वेट कर रही हो? कल्याण की वेट कर रही हूँ। कल्याण का वेट कर रही हो? वो तो आ ही जाएगा, एटलीस्ट आज तो उसे आई लव यू बोल दो। नहीं आज नहीं, पापा का कहना है कि मुहूर्त अभी ठीक नहीं है, उसे आई लव यू कहने के लिए मुझे 3 महीना इंतजार करना होगा। एक औरत करेले के सामने हाथ जोड़कर ये समझती थी कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। शट अप। पता नहीं तुम कौन सी सदी में रह रही हो। ए, कल्याण आ रहा है। हाय। हे बिंदु। अरे तुम जल्दी कर रही हो, अंदर चलो ना। कम ऑन। ओम राजा, हाँ? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ आने वाला हूँ? इसके बारे में तो इजी पता चल गया। है कौन, ऊपर कुछ और नीचे कुछ और? ओम राजा है यार, मेरा केयर टेकर। अरे बाप रे। केयर टेकर? हाँ मैडम, आज ही ज्वाइन हुआ हूँ। कल तक रहोगे ना? जो क्यों मार रही है मैडम। वैसे
ये सब आप ही के फ्रेंड है ना? ओ भाई, जो आजू बाजू रहते हैं वो फ्रेंड ही होते हैं। बेवकूफ की तरह डाउट कर रहा है यार। अच्छे मिले हो बेटा तुम लोग। अब देखो तुम लोगों का कैरेक्टर कैसा डिस्प्ले करता हूँ। Many many happy returns of the day, my lovely sister. Thank you, भैया. Thank you. Hello, Kirti. Many many happy returns of the day. Thank you, भैया का gift तुम्हें मिल गया है ना? हाँ, भाभी मिल गया. मुझे दीजिए. Many many happy returns of the day. अरे रुको. Hello, Kirti दीदी. Happy birthday to you. Kirti का जन्मदिन है. मुझे दीजिए. मैडम आपको मेरे बदले आप ही कह दो ना भाभी. कल्याण, ये ठीक नहीं होगा. What? आज तुम्हारा birthday है? Many many happy returns of the day, man. आज मैं इवनिंग में बहुत बड़ी ग्रैंड पार्टी दे रहा हूँ और किसी भी फ्रेंड को ग्रैंड पार्टी में मिस नहीं करना है, ओके? देख लिया ना मैम साहब, बहन को फोन पर मुबारकबाद देने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स को पार्टी देने का टाइम है। अब बहुत हो गया, छोटे मालिक की शादी बहुत जल्दी करनी पड़ेगी। आने वाली बहू आपकी तरह सीधी नहीं होनी चाहिए, बल्कि फूल अंधेरी की तरह होनी चाहिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आओ बैठो। ये क्या है बेटी? ये मेरे रिवॉल्वर लाइसेंस का एप्लीकेशन है सर। लेकिन तुम्हें रिवॉल्वर का लाइसेंस क्यों चाहिए बेटी? सर, आपने हमारे एरिया के एमएलए को भी रिवॉल्वर का लाइसेंस दिया हुआ है। वो गुंडे हिट लिस्ट में है बेटी। हमारे एरिया की रियल स्टेट बिजनेसमैन के पास भी रिवॉल्वर का लाइसेंस है। ऐसे बड़े लोगों के बहुत दुश्मन होते हैं ना बेटी। रिसेंटली आप ही के पुलिस स्टेशन में इस एरिया के गुंडे ने रिवॉल्वर के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। तुमने ठीक कहा बेटी, तुमने जिनका नाम लिया उनसे किसी न किसी को खतरा है। मेरी जान को भी खतरा है सर। व्हाट? यस सर, हम सुबह निकलकर कॉलेज जाते हैं और शाम तक बाहर रहते हैं। इस बीच में रोज कोई ना कोई मनचला आकर आई लव यू कह देता है। दूसरे गुंडे आकर उनका प्यार कबूल ना करने पर जान से मारने की धमकी देते हैं। ये सारे गुंडे मवाली हैं सर। जो चीज मेरी नहीं हो सकती वो किसी की नहीं हो सकती, ऐसा कहकर चेहरे पर एसिड फेंक देते हैं, नहीं तो फिर क्लासरूम के अंदर आकर गला काटने की धमकी देते हैं। हम सब मनोहर जैसे गुंडे और मवाली के हाथों नहीं मरना चाहते हैं सर। हम लोग बेझिझक कॉलेज में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं सर। हमारे माँ बाप ने हमारे लिए जो सपना देखा है उस सपने को हम पूरा करना चाहते हैं। हम सेफ फील करना चाहते हैं सर। क्या तुम लोग सेफ नहीं हो? अगर होते तो वो श्री लक्ष्मी, आयुषी, मीरा और आरुषि को इतनी बेदर्दी से क्यों मारा जाता सर? अगर सचमुच किसी को सेफ्टी की जरूरत है तो वो है टीनेज गर्ल्स। अगर आपको गन देना चाहिए तो हमें देना चाहिए सर, पॉलिटिशियंस और गुंडों को नहीं। मेरा आर्ग्यूमेंट सही है ये आप भी जानते हैं सर। Please make it fast. आज इस कल्याण का तो कल्याण हो जाएगा। आज इस कल्याण का तो क्या बात है, आज बहुत खुश हो क्या सर? कल्याण का फ्यूचर इस लिफाफे में लेके जा रहा हूँ। तुम्हारे लिए अच्छा है, एक बार चेक कर लो। चेकिंग? मेरे किए हुए काम को रीचेक करना मेरी लाइफ में नहीं है सर। इसे देखकर लगता है कि जबरदस्ती थप्पड़ खाने वाला है। बड़बड़ क्यों कर रहे हो सर? तुम्हें देखकर मुझे तुम पर दया आ रही है। मुझे भी आप पर देखकर दया आ रही है। अच्छा, तुम्हारे जैसे को मैंने अपनी सर्विस में कितनों को देखा है। ऐसा क्या सर, मैंने अपनी सर्विस में आप जैसे लोगों को बहुत देखा है। गुड मॉर्निंग सर। एडवांसली आधा मिनट से पहले ही ऑपरेशन शुरू हो गया था सर। 24 घंटे में हम किसी की भी लाइफ को इस कवर में रख के दे देते हैं सर। ध्यान से सुनिए, ये कवर खोलते ही आपको अपने भाई का असली रूप दिख जाएगा। फर्स्ट टाइम फोटो देखकर शॉक्ड हो जाएंगे, सेकंड टाइम थ्रिल करेंगे, उसके बाद गिफ्ट ही गिफ्ट। तुम्हारा कॉन्फिडेंस मुझे अच्छा लगा। कवर खोल के देखिए सर, वर्क भी अच्छा लगेगा। देखा ना सर, शॉक हुए ना? मैंने कहा था सर थ्रिल करेंगे, इतनी जल्दी गिफ्ट मंगवा रहे हैं। ची, 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 ची। आप मुझ पर ज्यादा ही मेहरबान हो रहे हैं सर। दत्तू भेज दो। देखा सर, मैं कहीं भी जाता हूँ सब लोगों का ऐसा ही रिएक्शन होता है सर। ए, ये क्या सर, सर ये क्या कर रहे हैं? अरे मेरी माँ, ये क्या है सर? मैंने सोचा था आप फोटो देखकर भाई को मारोगे, लेकिन अपने आदमियों से मुझे क्यों पिटवाया सर? सर ये क्या है सर, क्यों मार रहे हैं? माँ ये क्या है सर? अरे बाप, आदत बताने के लिए कहा था, लगाने के लिए नहीं। रास्कल। क्या हम राजा जी, क्या हाल चाल है सर? जो भी है सब सही है सर। उन्होंने आपको गिफ्ट दिया है तो आपने देख लिया सर? बराबर है, सब निकल गया, कुछ भी नहीं है। गिफ्ट क्या देंगे सर, अपॉइंट करके ऐसा धोया आगे से पीछे से। मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। ये क्या है,
मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? ये फोटो क्यों खींचे तुमने? मैंने तुमसे क्या कहा था, तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, ऐसा क्यों किया? 6 महीने से मैं अपना सर पीट पीट कर अपनी सैलरी मांग रही हूँ और आप मुझे नचाते जा रहे हैं? हाँ तो इस टाइप के फोटो निकालोगी? उन्होंने कुत्ते की तरह पीटा है मुझे, मैं इसी वक्त तुम्हें डिसमिस करता हूँ। अरे जा रे, तू क्या मुझे डिसमिस करेगा, मैं खुद अपने काम से रिजाइन देती हूँ। गुड बाय। आप शांत रहिए, सुबह से शाम तक 500 एम्बुलेंस आती जाती है, अगर मैं उसी को सिग्नल देता रहूंगा तो ट्रैफिक कैसे कंट्रोल करूंगा? आप मुझे मत परेशान करिए, जाइए। दो मिनटों में उनकी कितनी हेल्प हो जाएगी सर, आप समझने की कोशिश कीजिए। स्टॉप। कैसे स्टॉप करूं? अरे स्टॉप। अरे तुम क्या कर रही हो? यू गो, गो। आप लोग रुक जाइए, एम्बुलेंस को जाने दीजिए। एम्बुलेंस में सिर्फ पेशेंट्स ही जाते हैं, ऐसा सोचा तुमने? ट्रैफिक से बचने के लिए आज करके आवारा लोगों ने ऐसे ट्रिक अपनाए हैं, इसीलिए हम इन्हें सिग्नल नहीं देते। आज दुनिया बदल गई है बेटी। नो प्रॉब्लम सर, उस एम्बुलेंस में पेशेंट की हालत कितनी सीरियस होगी ये सोचकर घबरा गई थी मैं। उसमें पेशेंट नहीं है ये जानकर आई एम वेरी हैप्पी। सॉरी फॉर द ट्रबल। मेरी एक्टिविटीज पर ध्यान रखने के लिए मेरे भाई ने किसी डिटेक्टिव को अपॉइंट किया है। वो जानने के लिए मुझे क्या करना होगा? आपके लिए डिटेक्टिव अपॉइंट किया है, ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है सर। ये गारंटी के साथ पक्की इन्फॉर्मेशन है। इज्जत से बता दो कि वो कौन है। अब वो कौन आदमी मैं कैसे पता कर सकता हूँ सर? अगर आपको पता करके बता दिया तो क्या करोगे सर? इमीडिएटली उसको मारने की सोच रहा हूँ। ऐसा है, ये तो मुझे नहीं पता था। आँख बंद करके खोल ले, उसके बारे में मुझे पता चल जाना चाहिए। बाप रे। क्या रे, नींद में तो हमेशा बड़बड़ाता रहता है तू कि मैं बहुत बड़ा डिटेक्टिव हूँ, डिटेक्टिव हूँ, डिटेक्टिव हूँ। तो अब क्या हो गया? मैंने कहा होगा सर, मैं बेवकूफ हूँ ना। तुमने मेरे भाई के बारे में भी गलत बात कही थी। इसमें मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया है, अगर आज के बाद इधर की बात उधर गई तो ये टेप भाई के सामने चला दूंगा। अरे बाप रे, ऐसा मत कीजिए सर, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, उधर तक मत जाइए, आपके भाई को पता चला तो मुझे जान से मार देगा सर। ए, ये आग कहाँ से लग गई? अरे बाप रे, अरे रे, लगता है यहाँ कार का एक्सीडेंट हुआ है, बेचारा कोई अंदर फंसा होगा। जल्दी से 108 पर फोन करो। हाँ। आग तो बुझ गई, ये आग किसने बुझा दी? हाँ सर, ये आग मैंने बुझाई है, अंदर तो कोई नहीं था, फिर भी आपने इतने टेंशन क्यों क्रिएट की? अंदर कोई भी नहीं था, इस बात के लिए हम सबको बहुत खुश होना चाहिए। अगर अंदर कोई होता तो उसकी हालत क्या होती, जरा सोचो। थैंक गॉड। चलो चलते हैं। ए स्कूटी। तुमसे नहीं बाबा, उनसे। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? वो कार मेरी थी, मेरे भैया मुझे कार नहीं दिला रहे थे इसलिए जला दी। जिंदगी में कभी इतना रिस्क मत उठाओ वरना हवा में लटक जाओगी। कोटेशन आ गया है सर, एक मिनट सर। हेलो, आपके घर के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को फोन दीजिए, आपके लिए फोन है। हेलो सर, AP 10 0881 कार आपकी है ना? जी हाँ। आप नई कार खरीद कर नहीं दे रहे हैं, इसीलिए आपके छोटे भाई ने उस कार को जला दिया है। अगर आपने उन्हें नहीं रोका तो आपकी कार की तरह आपके भाई का फ्यूचर भी आग में जल जाएगा। प्लीज यू टेक केयर। क्या हुआ जी? उसने अपनी कार जला दी है। हाय माँ, ए माँ, ऐसे टक्कर क्यों चल रहे हो? हिचकी आ रही है क्या? अबे आंखों से दिखाई नहीं देता क्या एक्सीडेंट हुआ है? मैं आपके भाई के साथ कार में सर से जा रहा था, सामने से कार आई और धड़ाम से टकरा गई। अब और हम लोग हवा में ऊपर घूम रहे थे सर, मुझे तो लगा हम लोग हवा में रह जाएंगे, लेकिन जब कार धड़ाम से नीचे गिरी मेरी जान बच गई। मेरी जान चली जाती तो भी कोई बात नहीं थी, मैं तो आपके भाई के लिए दुआ कर रहा था सर। ए, कार का एक्सीडेंट तुमने किया है या उसने खुद जलाई है मुझे सब पता है। एक लड़की ने हमें फोन करके सब कुछ बताया। कल्याण, 25 साल पहले मैंने पहली कार खरीदी थी,
और इस उम्र में तुमने अपनी कार ही जला दी। जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई भी हो सकती है। बगैर मेहनत के तुम्हें सब मिला, इसीलिए तुम्हें एहसास नहीं है। दिस इज द फर्स्ट वार्निंग फॉर यू। जाओ। hey! मैंने तुम्हें किस लिए अपॉइंट किया था? दोनों मिलकर नाटक करते हो? अगली बार ऐसा क्या तो? कल्याण, ये जूस पी लो। नहीं चाहिए भाभी। जो होना था सो हो गया है। अब जाकर अपने भैया को सॉरी बोल दो। सॉरी? सॉरी मुझे नहीं बोलना चाहिए, सॉरी उनको बोलना चाहिए। उनकी वजह से मैंने कार जलाई। मेरे कहने पर कार दिला देते तो ये प्रॉब्लम होती नहीं। रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना उनको अच्छा लगता है, न्यू ट्रेंड को फॉलो करना ये मुझे अच्छा लगता है। उनको समझना चाहिए। अरे बाप रे, तुम्हारी बातें सुनकर तो मुझे बहुत डर लग रहा है। कभी ये मत कहना कि ओल्ड भाभी से बोर हो गया हूँ, नई भाभी चाहिए, तब मेरा क्या होगा? आप बोर नहीं लगती भाभी, भैया बोर लगते हैं। रम्या, उसने खाना खा लिया? खाना तो दूर, पानी तक नहीं पिया। इतना इमोशनल हो गया है। बोल रहा था कि भैया को जाकर सॉरी कैसे बोलूं, मारे टेंशन के घर में इधर उधर घूम रहा है। मैंने कहा टेंशन की कोई बात नहीं, तुम्हारे भैया को जाकर मैं खुद सॉरी बोलकर आ जाऊंगी। तुम तो ये अच्छी तरह जानती हो कि मैं पहली गलती को माफ करता हूँ, लेकिन दूसरी जानती हूँ। आपकी फर्स्ट वार्निंग के बाद कोई दूसरी गलती करने की हिम्मत करता है क्या? इस बात को वो जानता है। उसने जो गाड़ी पसंद की थी मैंने बुक कर दी है, मगर उसे कहना कि तुमने बुक की है। ठीक है। छोटे मालिक, मैम साहब। क्या बात है भाभी, बहुत खुश लग रही हो। भैया मुझे सॉरी बोलने के लिए रेडी हो गए क्या? वो क्यों सॉरी बोलेंगे, उन्होंने तुम्हारे लिए नई कार बुक की है। अर्जेंट जाकर उनको थैंक्स बोलो। अगर ये काम वो पहले कर देते तो कम से कम कार तो नहीं चलती। इसका मतलब तुम थैंक्स नहीं बोलोगे? मैं अपनी पूरी लाइफ में भाई से सॉरी और थैंक्स कभी नहीं बोलूंगा। अगर आपको बोलना है तो ओके। मुझे किस लिए? भैया के बाद ही भाभी आती है। भाई तो मुझे हमेशा भाई की तरह दिखता है, लेकिन आप तो मुझे माँ की तरह दिखती हो। ये गाड़ी भी उन्होंने बुक नहीं की होगी, आपने बुक की होगी। क्या पापा, आप यहाँ क्यों आ गए? बारिश हो रही थी बेटा, इसने तुम्हें लेने आ गया। छाता होने के बाद भी आप भीग कैसे गए पापा? घर में जो छतरी थी वो खराब हो गई थी, नया छाता खरीदने जाते वक्त रास्ते में ही भीग गया बेटा। तो क्या हुआ, मैं अपनी बेटी को बिना भीगे हुए लेकर जाऊंगा। चलो 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 जाएंगे, जल्दी जल्दी। आजा 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 आजा, मैं बाल तुम्हारे सुखाता हूँ। ये अच्छा है। हाँ हाँ मैं सुखाता हूँ। भीगे आप हो और सुखा इसको रहे हो। ये भी थोड़ी भीग गई है। हाँ वो ठीक है। अरे मैं सुखा लूँगा। बैठिए, जा जाके जल्दी से दवा लेके आ बेटा। ओके। आराम से। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ अपनी बेटी को देखो। आप टेंशन मत लीजिए, आप अपनी बेटी पर प्यार जता रहे हो, मैं अपने पति पर दिखा रही हूँ। अरे हो गया ना, तुम स्नेहा को देखो। अरे अजय देखा, मैंने कहा था ना आपको सर्दी लगी। स्नेहा को देखो। अच्छी, मैं बस अभी आती हूँ। फिर से कहाँ जा रही है बारिश में? अरे सुन, पापा को जब भी सर्दी होती है जल्दी ठीक नहीं होती। मैं बस दो मिनट में दवा लेकर आती हूँ। मुझे टैबलेट की जरूरत नहीं है। अरे कहाँ आए हो, वो तो चली गई। आप कपड़े बदल लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। ए, यहाँ कहाँ जा रहा है? जैसे उसने मेरे कार के नंबर से मेरे भाई का फोन नंबर पता किया, वैसे मैंने उसके स्कूटी के नंबर से उसके घर का पता कर लिया। अभी उसको सीधा करके आता हूँ। नहीं यार, मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम एक लड़की एक रात में 1,00,000 बार याद आ गई। कौन है वो लड़की? और कौन यार, वही समाज सेविका। तू रुक, मैं बुलाता हूँ उसे। ए, तू क्या उसको बुला कर लाएगा, वो मुझे खुद ढूंढते हुए आएगी। ये इधर क्या कर रहा है? ऐसे आवारा लोग कहीं भी आ जाते हैं। अब क्या भाई,
ए मिस्टर, नो पार्किंग में कार खड़ी की है तुमने। जो किंग होता है वो नो पार्किंग में भी होता है। वैसे तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है ना? तुम्हें कैसे पता? मैं मेरी डार्लिंग को मिलने तक उसे कोई पसंद आ ही नहीं सकता। सुनिए, आप मेरे दोस्त को लाइन दीजिए और मैं आपके पीछे वाली लड़की को लाइन देता हूँ। क्या ख्याल है? ज्यादा मत बोल। मुझे छोड़ के ऐसे ही जा रही हो? इज्जत से आई लव यू बोलो। बोलने के लिए कह रहा हूँ तो रिएक्शन क्यों दे रही हो? अब बोल भी दो ना। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें जान से मार भी सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास इस रिवॉल्वर का लाइसेंस भी है। तो मैं शूट भी किया तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। एक्सक्यूज मी, वन सेकेंड। ब्लडी कावर्ड्स। अब चल। तुम्हारी हंसी बहुत सुपर्ब है। क्या हुआ, तुम्हें लगा मैं डर गया? तुम्हारा रिएक्शन देखने के लिए मैं यूं ही जंप कर गया। एक बार मैंने किसी लड़की को अपने दिल में बिठा लिया ना, तो रिवॉल्वर तो क्या, ग्रेनेड से भी मैं नहीं डरूंगा। इस किंग के साथ लाइफ शेयर करके क्वीन बन जाओ। रोज मैं जिस लड़की के पीछे पड़ता हूँ, आज वही लड़की सामने से आ रही है, यही सोच रहे हो ना तुम? मैं आपसे 5 मिनट बात कर सकती हूँ? बोलो। इसमें तुम्हारी 10 हैबिट्स लिखो। अगर तुम एक दिन मेरे साथ घूमोगी तो तुम्हें सब पता चल जाएगा। प्लीज लिखो, मैं भी अपने 10 हैबिट्स लिखती हूँ। इतनी जल्दी टेस्ट भी शुरू कर दिया? डन। या मेरी हैबिट्स तुम पढ़ना और तुम्हारी हैबिट्स मैं पढ़ूंगी। ओके। मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, MS शुभ लक्ष्मी की सुप्रभात पढ़ती हूँ। ये शुभ लक्ष्मी कौन है, तुम्हारे पड़ोस में रहती है क्या? सुबह 10 बजे मैं उठता हूँ, रात का बचा हुआ पेट पीता हूँ। आगे बढ़ो। नॉनवेज पसंद नहीं है? मेरे लिए रैबिट का मांस तो मेरी जान है। या चेस कैरम खेलना पसंद है? फ्रेंड्स के साथ पत्ते खेलना पसंद है। अकेली रहती हूँ तो म्यूजिक सुनती हूँ। टाइम मिलता है तो सोता हूँ। या आई लव स्लीपिंग। तो देखा, 4 हैबिट्स पढ़ने के बाद भी एक भी हैबिट तुम्हारी हैबिट से मैच नहीं हो रही। हैबिट्स नहीं मिले तो क्या हुआ? हैबिट्स मिलने के बाद ही एक दूसरे को समझ सकते हैं। एक दूसरे को समझने के बाद ही जिंदगी अच्छी तरह बीत सकती है। पता चल गया ना, तुम्हारा और मेरा मेल नहीं हो सकता। तुम अलग हो, मैं अलग हूँ। गुड बाय। A9 25 बंजारा हिल्स टू एयरपोर्ट। सेल को साइलेंट मूड पर रखकर आने वाली तुम साइलेंस करना भूल गई? कोई टेंशन है तुम्हें? ऐसा कुछ नहीं है। अगर सिर्फ अपना बॉस समझती हो तो टेंशन बांटने की जरूरत नहीं है, और अगर तुम मुझे अपना समझती हो तो प्लीज टेल मी, आई विल हेल्प यू। मम्मी, जब तक आप इन्हें कोटेशन नहीं बताएंगे, ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। मुझसे ज्यादा बॉस आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्या? ये लोग मुझे बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, मुझे जल्दी लेकर जाओ मम्मी, प्लीज मम्मी, प्लीज। सारी डिटेल्स उन्हें देकर जाओ, अपनी बच्ची को ले आओ। ओके सर। मम्मी रुक तो, आप लोगों को जो कुछ चाहिए इस पेन ड्राइव में है, इसे ले लीजिए और प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। तू क्यों टेंशन ले रही है? प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, कुछ मत कीजिए प्लीज। अगर मुझ पर हाथ डालने की कोशिश की तो मैं एक बार सोचूंगा, लेकिन मेरे आदमियों पर हाथ डाला तो मैं तुम सबको काट डालूंगा। दैट इज चक्रवर्ती चक्र।
अच्छे हैं। अरे जेपी, तुम मुझसे जीतना चाहते हो ये बुरी बात नहीं है, लेकिन तुमने जो रास्ता अपनाया है वो गलत है। अपनी ताकत से मेरे आदमियों को किडनैप किया, लेकिन तुम्हारी ताकत के सामने मेरा दिमाग भारी पड़ गया। एक आदमी को आसानी से मार सकते, ये तुम्हारी सोच है, लेकिन जो मरा है वो कितने लोगों का सहारा था ये तुमने कभी नहीं सोचा, ये मैं सोचता हूं। मैं चाहता तो तुम्हारे बेटे को उधर ही मार सकता था, मार देता तो तुम्हारी हालत क्या होती, तुम्हारे बहू की हालत क्या होती, इसके बच्चों का भविष्य क्या होता। तुम हमेशा जीतना ही चाहते हो, हारना तुम्हें पसंद नहीं, इसलिए तुम्हारे अंदर यह गुस्सा और अहंकार है। तुम्हारे परिवार के प्यार को मैं समझता हूं, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। उसके बाद तुमने कोई प्लान करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा चक्रवर्ती, तुम्हें मारकर इन सब का सहारा बनूंगा। भैया, क्या रक्षाबंधन के दिन मैं आपके घर आकर आपको राखी बांध सकती हूँ? आ सकती हूँ? नहीं, जरूर आना। अगर राखी की बात है तो मैं खुद तुम्हारे घर आऊंगा। इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद आऊंगी भैया। ठीक है, तुम मेरे दुश्मन को राखी बांधना चाहती हो? वो आपके लिए दुश्मन होंगे, लेकिन मेरे लिए वो भगवान है। उन्हें राखी बांधने के लिए तो क्या, मैं रोज पूजा करने के लिए भी तैयार हूँ। देखा ना, वो आपके घर में आते ही आपके दुश्मन से मिलकर विद्रोह कर रही है, दैट इज चक्रवर्ती। ये जेपी क्या है वो बोलूंगा नहीं, मैं करके दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा मैं। नमस्ते सर। नमस्ते, वेरी ग्लैड टू सी यू। थैंक यू वेरी मच। मगर आप कौन है? आई एम स्नेहा। सर, बॉस का मतलब ये नहीं कि वो अपने नीचे काम करने वालों को सिर्फ पगार दे, बल्कि उनकी जिंदगी के बारे में भी सोचे, इस बात को आपने साबित कर दिया है सर। और इतना ही नहीं, आप ये जो एजुकेशनल ट्रस्ट हेल्थ सोसाइटी चला रहे हैं वो भी बहुत अच्छी बात है। एक आदमी का कमाना हजारों पर खर्च कर देना, दैट इज रियली ग्रेट सर। सोसाइटी में खत्म हो रही अच्छाई को आप जैसो नहीं जिंदा रखा है। तुम मेरे सामने आकर मेरे ही मुंह पर मेरी अच्छाई की तारीफ कर रही हो, इसी से तुम्हारी अच्छाई का पता चल रहा है। कॉफी टी कुछ लोगी? बस आपसे शेक हैंड करना चाहूंगी सर। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। बाय सर, जल्द ही मिलते हैं। क्या हुआ? मैं फेल हो गई हूँ। तुम कैसे फेल हो सकती हो? चलो फिर से चेक करो। हेलो, क्या हुआ, फेल हो गई? तुम्हें एक बात पता है, तुम पास हुई थी, मैंने तुम्हें फेल करवाया है। एग्जाम में फेल होने से सिर्फ एक साल वेस्ट होता है, मगर लव में फेल होने से पूरी जिंदगी वेस्ट हो जाती है। तुम्हें इस बात का एहसास हो, इसलिए एग्जाम बली मैंने तुम्हें फेल करवाया है। गुस्से से मत देखो, थोड़ा प्यार करना भी सीखो, उसके बाद और क्या, पास करवा दूंगा। फेल करवा दिया ना तो रो रही होगी। उसके लिए तो पढ़ाई सब कुछ है, जहाँ तक मुझे पता है वो जरूर सुसाइड करने गई होगी। मेरी गर्लफ्रेंड इतनी कमजोर नहीं हो सकती, वो मेरे और मेरे प्यार के बारे में सोच रही होगी। अगर वो तुमसे प्यार नहीं करती होगी तो? अगर उसने मुझसे प्यार नहीं किया तो मैं उसे लाइफ से फेल करवा दूंगा। तू जिंदा रहेगा तब मुझे लाइफ से फेल करेगा ना? मुझे डराने आई हो क्या? अपने डार्लिंग को तुम गोली कैसे मार सकती हो? स्नेहा,
क्या हुआ बेटी, तुम चुकी क्यों? कोई बुरा सपना देखा क्या? हाँ पापा। होता है। ये लो पानी पियो और आराम से सो जाओ। ये लो। पापा। हाँ बेटा। आपने कहा था ना मेरे लिए कोई रिश्ता आया है। हाँ बेटा रिश्ता आया है। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपको रिश्ता पसंद हो तो आप सगाई की तैयारी कर लीजिए। क्या हुआ बेटी? सिक्योरिटी नहीं है इसलिए सेफ्टी के लिए लाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर गई थी तुम, फिर इतनी जल्दी वापस क्यों कर दिया? मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है सर। वो क्यों बेटी? इस रिवॉल्वर को रखने की हिम्मत तो है मेरे पास, लेकिन इसका इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं है सर। सिर्फ तुम ही नहीं, कोई भी स्त्री हथियार नहीं चलाएगी, क्योंकि वो दया, ममता और करुणा, यही उसका हथियार होता है। एक औरत सब कुछ सह लेती है, और अगर ना सह पाए तो खुद मर जाएगी, लेकिन किसी को मारेगी नहीं। ये है मेरी बेटी स्नेहा। नमस्ते, नमस्ते। नमस्ते बेटी, बैठो। लड़की पसंद है बेटा? हाँ डैडी। ए, कौन हो तुम? आप जरा बैठिए ना अंकल, आपके लिए छोटा सा गिफ्ट। डैडी मेरी नौकरी चली गई। हाँ? चली नहीं गई, मैंने निकाल दिया। लेकिन क्यों? तू इसको देखने आया था ना। ये तो डबल गेम लग रहा है। आप सबको नमस्कार, आपकी रिश्तेदारी को नमस्कार। चलो बेटा चलो, पता नहीं क्या हो रहा है, तेरी नौकरी भी चली। आप हैं कौन और इस गंदी बिहेव का मतलब क्या है? देखिए अंकल, आपकी बेटी के लिए मेरे जैसा हैंडसम और पैसे वाला लड़का नहीं मिलेगा, इसलिए आप ठंडे दिमाग से बैठ कर सोचिए और फिर मुझे फोन कर दीजिए। फाइनली मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अगर तुम मेरे आजू बाजू मंडराते हुए भी मर जाओगे ना, तो भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचूंगी। गेट आउट। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि तुम मुझे आईलो पे बोलोगी। सॉरी पापा, मुझे नहीं पता था कि वो घर तक आ जाएगा। अगर वो प्यार में सिंसियर है तो कहीं भी आ सकता है बेटी। उसने इतनी बदतमीजी की और आप उसी की साइड ले रहे हैं? स्नेहा, लगता है वो प्यार में सिंसियर है, लेकिन उसका अप्रोच गलत है। सर, मुझे आज छुट्टी चाहिए सर। क्यों रे? गर्लफ्रेंड के साथ फिल्म देखने जाना है सर। ओम राजा, मैंने सोचा था कि तू मेरे साथ बैठकर मुझे कंपनी देगा। आप तो यहीं बैठे हो ना सर। अरे नहीं यार। हाँ। वो मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। हाँ? तो उसने मुझे क्या बोला पता है? सर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज जरा प्रैक्टिकल करके बताइए। बताइए आपके और आपके गर्लफ्रेंड के बीच में हुआ क्या था आखिर? स्नेहा, आई लव यू। आई लव यू टू कल्याण। क्यों सर, क्यों मारा मुझे? अबे मैं तेरी नहीं उसकी बात कर रहा हूँ। ओह सॉरी सर, सॉरी सर, मेरे से गलती हो गई, इट्स माय मिस्टेक। हम लोग फिर से शुरू करते हैं सर। तो क्या कहा था आपने? मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। तुम्हारा मर जाना ही बेहतर है, तुम्हारे जैसे बेवकूफ से प्यार करने से अच्छा है तो मैं मर जाऊँ। तुम्हारे मरने के बाद जो क्रियाक्रम का सामान लगेगा वो भी वेस्ट हो जाएगा। अब क्यों मारा सर? वो लड़की इतनी गंदी गालियां नहीं देती। हाँ, आपसे प्यार करने वाली लड़की ऐसी वैसी होगी यही सोचकर मैंने ऐसी लैंग्वेज यूज की सर। कल्याण सर क्या कर रहे हो? तू भी आ जा, तुझे भी बताता हूँ। जब पानी पीता है तो सही तरीके से बात नहीं करते, अभी तो शराब पी रहा है। नमस्कार दत्ता जी। नमस्कार। आइए दत्ता जी बैठिए। सर दत्ता जी बहुत बड़े स्टेज आर्टिस्ट हैं सर, इन्होंने बहुत सारे प्राइज भी जीते हैं, ये जैसे दिखते वैसे है नहीं। अभी आपको कल्याण जी की लवर की तरह एक्ट करना है। हाँ सर, आप इन्हें मारना शुरू कीजिए। इसका मतलब था बोलना शुरू कीजिए। आप पूछिए सर। बोलिए सर, अपने आप को प्रूव करता हूँ। मैं तुमसे कितनी बार कहूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ। आंसर दीजिए सर। सही लवर्स, साइलेंटली सोच रही हूँ। इतना क्या सोचना, जल्दी से बोलिए सर, वेट कर रहे हैं ना। क्या सर, मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ और आप मुझे ही मार रहे हैं। मेरी लवर पे हाथ डालता है तो? तुम्हारे घर में माँ नहीं है? तुम्हारे घर में बहन नहीं है? तुम्हारे घर में छोटी बहन नहीं है क्या? ओहो दत्ता जी क्या एक्टिंग कर रहे हैं सर, आप पूरी तरह कैरेक्टर में घुस गए सर। छोटे माली, आपके लिए मैं लेग पीस बना कर लाया हूँ। लेग पीस? लेग पीस तो मेरा फेवरेट है। मारा क्यों सर? कहती हो कि मुझे नॉनवेज पसंद नहीं है,
और मेरे सामने नॉनवेज खा रही हो? मैंने कब कहा कि नॉनवेज पसंद नहीं? आप समझते क्यों नहीं, आप इस वक्त दत्ता साहब नहीं है, आप इनकी गर्लफ्रेंड का रोल कर रहे हैं। ये सब भूलकर आप नॉनवेज खाएंगे तो ये तो आपको मारेंगे ही ना। क्या बार बार कैरेक्टर छोड़ देते हैं? अरे लेके जाओ भाई, पहले ही बहुत परेशानी है। देखो भाई, बिना कैरेक्टर को जाने एक्टिंग करना बहुत मुश्किल है। अब मुझे क्या पता कि वो नॉनवेज नहीं खाती है, मुझे लगा कि वो खाती होगी। ए, इसे लेकर जाओ यार। ए, बड़े साहब आएंगे तो उनसे कहना मुझे। छोटे भाई की लवर होकर बड़े भाई से सीधे बात करती हो, शर्म नहीं आती? राम लक्ष्मण जैसे भाइयों के बीच में दरार डाल रही हो। तू कुक होकर मुझ पर हाथ उठाएगा? हाथ नहीं उठाओ, ताला बनाने वाला होकर मुझ पर हाथ उठाएगा? तेरी तो तू कभी बता दो, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। गारंटी के साथ कहता हूँ कि मैं ही जीतूंगा, तुम्हें मुझसे प्यार करना ही पड़ेगा, और ऐसा नहीं हुआ तो मैं भी नहीं रहूंगा और तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। I love you. तुम्हें मुझसे प्यार करना ही होगा। वो इडियट फिर से आ गया। क्या मैं तुमसे दो मिनट बात कर सकती हूँ? लेकिन आप, कल्याण जो तुम्हारे पीछे हमेशा पड़ा रहता है, मैं उसकी भाभी हूँ। आप क्या बात करने आई है मुझे पता है। कल्याण दिल का बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हें पसंद करता है, और अगर तुम उसे नहीं मिली तो वो मर जाएगा, यही कहने आई है ना आप? मैंने अभी आपसे जो भी कहा है वो सच है ना? नहीं स्नेहा, तुम कल्याण से प्यार मत करो, यही कहने आई हो। उसका वन वे लव है और वन वे लव को मैं सपोर्ट नहीं करती, लेकिन वो तुम्हारी वजह से काफी डिस्टर्ब हो चुका है और उसको बचाने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। मेरी तुमसे एक गुजारिश है, तुम मुझ पर एक फेवर कर दो। जब कोई छोटा बच्चा खिलौने को देखकर रोता है तो उसे चुप कराने के लिए उसके सामने एक नया खिलौना लाकर रख दो तो वो चुप हो जाता है, पुराने को भूल जाता है। यही हाल कल्याण का भी है। तुम अगर 10 दिन के लिए कल्याण के साथ उसकी दोस्त बनकर रहोगी तो मुझे पूरा यकीन है कि पहले की तरह वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, और इसी दौरान वो किसी और लड़की को पसंद कर ले उसकी कोशिश मैं करूंगी। उसके साथ दोस्ती करूं? मैं उसे एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर तुम इंसानियत के नाते सोचोगी तो मेरी बातें तुम्हें ठीक ही लगेगी स्नेहा। अब मेरे देवर की खुशियां तुम्हारे ही हाथों में है, उसे बचा लो, उसकी मदद करो। तुम एक बहुत अच्छे दिल की लड़की हो, कल्याण ने मुझसे कहा है। बिंदु, बिंदु। यस पापा। तुम्हारे लिए गुड न्यूज। क्या है पापा? बेटी, आज से अपशगुन मुहूर्त समाप्त हो गया है, शुभ मुहूर्त शुरू हो गया है। अब तुम जल्दी से जाकर कल्याण को आई लव यू बोल दो उसे बेटी। ग्रैंड सक्सेस। थैंक यू पापा, माय पापा इज द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक्स पापा। बड़ी अच्छी बात है, अपनी बेटी का साहस बहुत कम बाप बढ़ाते हैं। इस महीने तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाने की सोची थी। हाँ सर, वो कैंसिल। बेटी, उसके प्यार में सिंसियरिटी है लेकिन उसका अप्रोच करने का तरीका गलत है। अगर तुम इंसानियत के नाते सोचोगी तो मेरी बातें तुम्हें ठीक ही लगेगी स्नेहा। हे बिंदु। हाय, व्हाट्स अप, लेट्स गो। थैंक्स कल्याण, बताए हुए वक्त से पहले आ गए तुम। वैसे तुम मुझे कुछ बताने वाली थी। बहुत दिनों से। हाँ, बहुत दिनों से। जस्ट 2 मिनट्स प्लीज। हाँ, Just 2 minutes. You're crazy. हे बिंदु, I'm so happy. वैसे तुम मुझसे कुछ कहने वाली थी, क्या था वो? कुछ कुछ बातों के लिए वेट नहीं करनी चाहिए, ये मुझे अभी पता चला। तुम सही थे, यही बताना चाहती थी। हाँ, कुछ चीजों में वेटिंग नहीं करनी चाहिए। ओके, हे, मैं गर्लफ्रेंड के साथ घूम कर आता हूँ। ओके, बाय।
भाभी आई एम इन लव। सर आपके भाई के बारे में पूरी रिपोर्ट देने आया हूँ सर। आपके भाई जैसा अच्छा भाई कोई हो ही नहीं सकता सर। ऐसे भाई को पाना ही बहुत नसीब की बात है। अगर आप राम हैं तो वो लक्ष्मण है सर। आज के नौजवानों में जो बुराई होती है उसमें से एक भी बुराई उसमें नहीं है। मैं तो कहता हूँ सर आपने किसी जन्म में बहुत बड़ा पुण्य का काम किया होगा तब ऐसा भाई मिला। थैंक यू वेरी मच। बस उसमें एक ही बुराई है सर। क्या बुराई? सिग्नल को क्रॉस करना। अगर आप वो क्लियर करवा दें तो बाकी वो मिस्टर क्लीन इंडिया होगा सर। एनीवे आई एम वेरी हैप्पी। दत्तू सर 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 इन सबको एकदम खुश करके भेज देना। ठीक है सर। थैंक यू सर। गाड़ी में बैठो। क्या हुआ कल्याण? ये लोग भाग क्यों रहे हैं? वो आदमी मेरे जीप के सामने आ गया था, उसे उड़ा दिया। What? उड़ा दिया? अगर उसे कुछ हो गया तो? उससे मुझे मतलब नहीं। तुम्हें उससे मतलब नहीं? तुम उसकी कंडीशन को देखे बिना तुम यहाँ पर कैसे आ सकते हो कल्याण? अभी वो सब देखना जरूरी है क्या? चलो जीप में आ जाओ। छोड़ो मेरा हाथ। पता है तुम्हारी भाभी मेरे पास आई थी ये कहने के लिए कि उनका देवर मेरे प्यार में पागलों की तरह यहाँ वहाँ घूम रहा है और इसीलिए मैंने 10 दिनों तक तुमसे दोस्ती का नाटक किया सिर्फ उनकी बात रखने के लिए। तुम खुद एक इंसान होकर ऐसी हरकतें कर रहे हो? मुझे तो लग रहा है कि तुम इंसान ही नहीं हो। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ? जिसके दिल में किसी भी दूसरे इंसान के लिए जरा सी भी जगह नहीं है उस इंसान को मैं अपनी जिंदगी में कभी जगह नहीं दे सकती। इसीलिए मैं तुम्हारे और तुम्हारे प्यार के बारे में सोचकर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। गुड बाय। भाभी कहाँ हो तुम? कल्याण। भाभी क्या हुआ कल्याण? मुझसे प्यार करने के लिए आपने स्नेहा से कहा था। मैं डिस्टर्ब हो गया ऐसा मैंने आपसे कहा था? वो बात जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ जल्दी। क्या हुआ इंस्पेक्टर? पहले आपसे मैंने जो पूछा है उसका जवाब दीजिए। इन्होंने रफ गाड़ी चला के एक आदमी को उड़ा दिया है। अभी वो सीरियस है। उससे भी सीरियस मैटर इस वक्त मेरा है। चाहिए तो 1 करोड़ रुपया उसके मुंह पे फेंक दूंगा। आप जाइए। बोलिए भाभी। कल्याण तुमने एक्सीडेंट किया है? वो छोड़िए भाभी, पहले मैंने जो पूछा उसका जवाब दीजिए। कांस्टेबल सर। ए आप बताइए आप स्नेहा के पास गई थी? सॉरी मैडम, इनको अरेस्ट करना ही होगा। कम ऑन मूव। देखो मिनिस्टर, इंसानियत और शराफत का राग अलापते हुए पुलिस और पॉलिटिशियन को चंदा देने वाले को
छूने से पाप लगेगा ऐसा सोचने वाला चक्रवर्ती आज हमारे हाथ लग गया है। आज उसका भाई एक्सीडेंट के केस में इस समय पुलिस स्टेशन में है। तुम्हारी पार्टी के लिए जितना भी चंदा लगेगा वो सब मैं दूंगा। और गौर से सुनो, उसका भाई पुलिस स्टेशन से बाहर नहीं आना चाहिए। हाँ अरे बहू जी, आज जिंदगी में पहली बार मुझे बहुत खुशी हो रही है। अगर घर में कुछ मीठा हो तो ले आओ खाने के लिए। तुम्हें खाने के लिए मीठा नहीं, तुम्हारे मुंह में मिर्च की भुक्की डालनी चाहिए शैतान कहीं का। क्या सोच रही हो बहू? कुछ नहीं कुछ नहीं पिताजी, आपके लिए कौन सा स्वीट बना कर लाऊं ये सोच रही थी। अभी लेकर आती हूँ। तुम यहाँ? ये मेरा ही घर है सर। मतलब जिनकी मौत हुई है वो मेरे ही पापा थे सर। एक इडियट के एक्सीडेंट करने की वजह से उनकी मौत हुई है। वो कोई और नहीं, मेरा भाई था। आपका भाई? हाँ मेरा भाई। ये कैसे हो सकता है सर? यही सच है, उसने ये एक्सीडेंट जानबूझकर नहीं किया होगा, अनजाने में ही एक्सीडेंट हुआ होगा। इसलिए मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। माफी मांगने आए हैं? आप बहुत बड़े और बहुत अच्छे इंसान हैं, ऐसा मैं सोचा करती थी, लेकिन आज पता चला कि हालात की वजह से इंसान कितना बदलता है। ये आज आपने साबित कर दिया। अगर इंसानियत और शराफत को मैं भूल गया होता तो मेरे भाई को जेल से निकालने में मुझे 5 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगता। मैं हूँ इसलिए आया हूँ, और मेरा भाई पुलिस स्टेशन में बंद है। ये गलती उससे अनजाने में हुई है, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। अगर तुम उसे माफ कर दोगी तो वो छूट जाएगा, वरना वो जेल में ही रहेगा। ये नहीं हो सकता सर, उसकी पूरी जिंदगी अंधेरे में ही खत्म होगी। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। ऐसा मत कहो, उसकी आंखों के सामने मेरी लाइफ खत्म होनी चाहिए। मेरे सामने उसकी लाइफ खत्म नहीं हो सकती, मैं ये सह नहीं पाऊंगा। प्लीज ट्राई टू हेल्प मी। देखो स्नेहा, आज तक मैंने अपने पति को दूसरों की मदद करते हुए देखा है, लेकिन आज पहली बार ये तुमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। उस दिन तो मैं तुमसे अपनी देवर की खुशियां लौटाने के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए आई थी। आज हम तुम्हारे गम में शरीक हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे पिताजी की कमी पूरी नहीं कर सकते। माता पिता की कमी तो भगवान भी पूरा नहीं कर सकते। एक बात हो सकती है, आप अपनी सारी जायदाद, आपका घर और सब कुछ मेरे नाम ट्रांसफर कर दीजिए। जिन कपड़ों में आप आए हैं उन्हीं कपड़ों में अपने भाई को लेकर जाइए। अगर ऐसा कर सकते हैं तो मैं आपको माफ कर दूंगी। देखा, प्रॉपर्टी चाहिए या भाई चाहिए ये पूछते ही आप दोनों ने अपने कदम पीछे ले लिए। अगर यही हाल मेरे पापा के साथ होता तो मेरे पापा 10 कदम आगे कूद जाते सर। बस यही फर्क है एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी में। हम लोग अपने रिश्ते नाते तोड़ते समय दुखी होते हैं, और आप लोग प्रॉपर्टी और पैसे के दूर होने से दुखी होते हैं। मेरे लिए आपके भाई को माफ करना नामुमकिन है सर। ए, स्लोली ट्राई करना चाहिए था यार। ए, वो मुझे प्यार ही नहीं करती यार। भाभी से पूछने पर पता चला वो मुझे देखकर मुझ पर तरस खाकर मुझसे प्यार करने का नाटक कर रही थी। सर बड़े अजीब आदमी हो, एक्सीडेंट में एक आदमी को मार दिया और यहाँ बैठकर लव स्टोरी एंजॉय कर रहे हो। मर गया? मर गया, आपको नहीं पता। और उसकी बेटी आपको किसी भी हालत में छोड़ने वाली नहीं है। वो तो अच्छा है ऐसा ही आपके भाई के बारे में जानते हैं, वरना कब का आपका ट्रीटमेंट शुरू हो गया होता। मरने वाले की बेटी आने वाली है, उसके साथ बैठ के सेटलमेंट कर लेना। ये देखो वही लड़की है। Thank you.
एक्सीडेंट इन्होंने नहीं किया है। मेरे पापा की मौत का और इनका कोई संबंध नहीं है। मेरे पापा की ड्राइविंग मिस्टेक से ही ये सब हुआ है। मैं ये केस वापस लेना चाहती हूँ सर। यहाँ पर साइन कीजिए। इस केस से बाहर निकलना बहुत मुश्किल था, लेकिन तुम इजली बच गए। आगे से संभल कर रहना। आज से ये कार हमारी नहीं है। तुम्हें आजाद करने के लिए स्नेहा ने हमारी प्रॉपर्टी मांगी थी। तुम्हारे भैया ने तुम्हारे खातिर उसे दे दी। चलो। लिफ्ट चाहिए चक्रवर्ती। ऑटो। ऑटो में चढ़ गया चक्रवर्ती। उसे पैसा भी देना पड़ता है। पैसा तेरे पास है क्या? नमस्ते जी। बिना वजह आप ये सब क्यों कर रहे हैं पिताजी? आज हमारे घर में त्योहार है बहू। त्योहार? मुझे तो पता ही नहीं कौन सा त्योहार है। क्या है ना कि उस चक्रवर्ती की प्रॉपर्टी कागज की तरह हवा में उड़ गई है, इसलिए उसकी जिंदगी में अब कभी खुशी नहीं आएगी। उसकी जिंदगी में दुख शुरू हुआ है और हमारे घर में खुशियाँ शुरू हुई है। असल में उस चक्रवर्ती की हालत को याद करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। नमस्ते सर। मैंने आप लोगों को तो नहीं बुलाया था। इतने दिनों तक हम आपके बुलाने से आते थे, लेकिन आज अपने मन से आए हैं सर। मैं अब उस मुकाम पर नहीं हूँ। इतने दिनों तक काम देकर आपने हमारे परिवार को सहारा दिया, और इस वक्त हमें आपकी थोड़ी मदद करने दीजिए सर। हमारे पिताजी ने 10 लोगों को मदद करने की सीख दी है, लेकिन कभी किसी से आस रखने की सीख नहीं दी है। उन्होंने कहा था सबको अपना समझना, कभी भी उन्हें अपने लिए इस्तेमाल मत करो। मुझे ये सब याद दिलाकर मेरे मन को दुखी मत करो। ये लो। मैम साहब, आप तो समझाइए। उनकी हाँ में ही मेरी हाँ है, आपको पता है ना। ये लीजिए पीछे। भाभी, आपकी कॉफी धरी है। हम क्या है, हमारा स्टेटस क्या है? वो इन सबको बड़ा त्याग समझ रहे होंगे, लेकिन ये सब बेवकूफी है। अरे, इतनी छोटी सी बात के लिए अपनी तो सारी प्रॉपर्टी दे ही दी। देने से पहले आपको मुझे बताना चाहिए था। इतनी छोटी सी बात के लिए तुम भड़क कर अपने प्रॉपर्टी कैसे छोड़ दिया चक्रवर्ती? तुम्हारी इतनी कैपेसिटी है, एक मिनिस्टर या पुलिस को फोन कर देते तो 2 मिनट में तुम्हारा भाई बाहर आ जाता। हम इतना कुछ बोल रहे हैं, फिर भी आप कुछ नहीं बोल रहे। अब क्या बोलेंगे ये? अभी जो उन्होंने किया है उस पर पछता रहे हैं। हाँ, इतने दिनों तक मैंने कैसे कैसे मतलबी लोगों से दोस्ती रखी थी। मैं यही सोच रहा हूँ कि मेरे भाई ने जो गलती की है मैंने उसे सुधारना चाहा, ना कि मैंने उसे सपोर्ट करने की कोशिश की। मैं जानता हूँ तुम लोग सिर्फ मेरे भाई के बारे में सोच रहे हो। तुम लोग मेरे अपने हो, इसलिए मेरे बारे में सोच रहे हो। लेकिन सोचो, जिस लड़की ने अपना पिता खोया है उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। मेरे भाई को माफ करने के लिए उस लड़की ने सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी मांगी है। जान के बदले जान मांगती तो? त्याग है यह बेवकूफी, यह अब तुम ही तय करो।
क्या बिंदु, इतनी लेट कैसे हो गई? सॉरी यार, तुम्हें पिक करने के लिए मैं तुम्हारे घर गई थी, उसी बीच तुम यहाँ पर पहुँच गए। तुम लोग क्यों लेट हो गए? अच्छा तो क्या हुआ, हम लोगों ने कितनी बार तुम्हारा वेट किया? वेट करना तुम्हें पता है ना, मुझे वेट करना पसंद नहीं है। नहीं पसंद है इसलिए तुम्हारी हालत है। क्या बोल रहे क्या? कल्याण, अगर तुम उन लोगों पर हाथ उठाओगे तो वो तुम्हारी इंसल्ट होगी। जो हुआ सो हुआ, नेक्स्ट क्या करना है ये सलाह देने वाले ही दोस्त हैं। ये लोग तो सिर्फ दोस्ती के नाम पर धब्बा है। कल्याण चलो। आओ मैनेजर। हाँ। किसको पकड़ कर ला रहे हो? ये मेरे फ्रेंड है, इनका नाम है ओम राजा। अरे तो मैं क्या करूं? आप जो कहेंगे मैं करूंगा सर। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरे गोपात्रा को संभालना है। गोपात्रा? गोपात्रा इनके छोटे बेटे हैं। ओ, उसे गोद में उठाना है क्या? अरे उसे उठाने की जरूरत नहीं है, उसे उठाओगे तो उसे उठाने की जगह तुम खुद लेट जाओगे, तुम्हें उसे सिर्फ हंसाना है। क्या वो हमेशा रोते रहते हैं क्या? वो हंसता नहीं है, वो अलग ही टाइप का बंदा है। हंसता नहीं क्या? सर उसे हंसाना मेरे लिए चुटकियों का खेल है सर। उधर जाके बजाओ। एक घंटा उसके पीछे रहोगे तो चुटकी नहीं बजा पाओगे, अब जाओ। गोपात्रा नाक के ऊपर विष्णु की तरह कितने सुंदर लग रहे हैं ये। कितना सुंदर कितना खराब है आगे पता चलेगा। गोपात्रा ये मेरे फ्रेंड ओम राजा है, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए आए हैं। नमस्ते ओम राजा जी। आहा, क्या संस्कार है, क्या मर्यादा है। तुम तो मुझे काफी पसंद आ गए ओम राजा। मुझे देखकर क्या लग रहा है तुम्हें, मुझे उठाकर खिलाने का मन कर रहा है ना? आहा, आप सच कह रहे हैं, आप कितने अच्छे हैं, मुझे आपके पास नौकरी मिली है सर। तो चलो ना, मूवी के लिए टाइम हो रहा है, सारे सेक्स सीन खत्म हो जाएंगे। ये क्या मूवी बोल रहा, क्या कहानी है? सिनेमा देखने से पहले कहानी नहीं बतानी चाहिए। ये सब क्या है? गोपात्रा खेल रहा है। ये क्या खेल है, उसकी जान से खेल रहा है वो? गोपात्रा सामने वाले की जान से ही खेलता है। ये कैसा शौक है आपका सर? वहाँ पर तो आप कोई मिल गया का ऋतिक लग रहे थे, यहाँ अग्नि साक्षी के नाना पाटेकर कैसे हो गए सर? मेरा असली रूप तो यही है। आज से ये रिटायर होने वाला है, कल से तुम ही तो मेरा सहारा हो। क्या मैं? अरे एक राउंड है इसको। अरे ये सेटअप तो केवल ट्रेलर है, कल से पूरी मूवी दिखाता हूँ। डीटीएच कनेक्शन है, सारे चैनल दिखेंगे, पूरी पिक्चर दिखाऊंगा। सर पीछे खाई और आगे कुआं है सर। ये मेरा कैसा नसीब है सर, मुझे ये नौकरी नहीं चाहिए सर, मुझे माफ करो। कहाँ जा रहे हो? क्यों? घर के पीछे 10 समाधि बनी हुई है। मुझसे समाधि की बात क्यों कर रहे हैं? वो उनकी है जो यहाँ काम करने के लिए मना करके जाना चाहते हैं। वहाँ जाना चाहोगे? हाँ गिर गया क्या? इससे पहले रोड पर इंसान ही नहीं दिखा करते थे पता है। लेकिन आज हालात ने तुम्हें रोड पर लाकर खड़ा कर दिया है। This is destiny. इस बात से तुम्हें क्या सीख मिलती है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक बात अच्छी तरह समझ में आ गई। ऊपर चढ़ने में जितना टाइम लगता है ना, नीचे आने में उतना नहीं लगता। हो सके तो अपनी ये शर्ट धो लेना, वरना बाजार जाकर अपने लिए 4 शर्ट खरीद लेना। जीने पैसों की कीमत नहीं होती, उनके पास ज्यादा दिन पैसा नहीं रहता बेटा, आखिरकार वो इसी तरह से बाहर आ ही जाता है। ले लो, चलो मेरे साथ, मेरा घर यही है, शर्ट चेंज करके चले जाना। रहने दीजिए माँ जी, मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूँ, मैं कह रही हूँ अंदर आओ। बाथरूम उस साइड में है, अंदर जाके शर्ट क्लीन करो।
तुमने तो मुझे पहचाना नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें पहचान लिया। मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, ये तो होना ही था। उनको मुझसे दूर होना था तो वो हो गए। गुस्सा तो मुझे अपनी बेटी पर है, पिता की मौत का कारण बताकर तुम्हारी सारी संपत्ति हासिल की, उस बात से मैं उससे बहुत नाराज हूँ। उनकी यादों के साथ वहाँ अकेली नहीं रह पा रही थी, इसलिए यहाँ आ गई। आपको कुछ जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। अभी तुम्हें मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, तुम अपने भैया के बारे में सोचो। आजकल तो खुद के बच्चों के लिए माँ बाप त्याग करने के लिए एक बार सोचते रहते हैं, लेकिन तुम्हारे भैया भाभी तुम्हारे लिए अपनी पूरी प्रॉपर्टी छोड़कर आ गए, तो सोचो वो तुमसे कितना प्यार करते हैं। प्यार को कायम रखने के लिए हमें भी प्यार करना पड़ता है, इस बात को तुम समझ लो। रुको बेटा, मैं कॉफी बनाकर लेके आती हूँ। जब मैंने आपका एक्सीडेंट किया तो मुझे उतना दुख नहीं हुआ था, लेकिन आपकी पत्नी ने जो मुझे अभी माफ किया, इस वजह से मैं बहुत दुखी हूँ। पूरी जिंदगी में पहली बार मुझे किसी के लिए दुख हो रहा है। यस, मैं रेडी हूँ। मैं भी रेडी हूँ, लेकिन बाहर तो मैं जा रहा हूँ। मैं भी जा रही हूँ ड्यूटी पर। ड्यूटी पर? घर पर खाली बैठी रहूंगी तो बोर हो जाऊंगी, इसलिए मैंने टेलीफोन पर इंटरव्यू दिया था, जॉब मिल गया। आपको सरप्राइज देना था इसलिए अभी बता रही हूँ। मतलब मेरी तकलीफ को कम करना चाहती हो? सिर्फ बांटना चाहती हूँ। बेस्ट ऑफ लक नहीं कहेंगे? बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। टाइम हो रहा है, चलते हैं। चलो चलते हैं। आज कीर्ति आने वाली है, आपको याद है? मुझे सब कुछ याद है, मैं अपना काम खत्म करके उसे लेने जाऊंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं अपनी ननद को लेने के लिए हाफ डे छुट्टी लेके खुद ही चली जाऊंगी। अरे ठीक है, आप दोनों को जाने की जरूरत नहीं है, मैं चला जाऊंगा। अरे बाप रे, तुम? ट्रेनें तो लेट आती है और तुम्हें लेट होना पसंद नहीं है, कहीं तुम्हारा दिमाग? पहले के हालत और थे भाभी, अभी कुछ और है। आप चलिए ना, मैं आती हूँ, जाइए ना। तुम्हें बस में चढ़ने की आदत नहीं, सफर में दिक्कत होगी। ये लो, ये पैसे रख लो, ऑटो में जाओ, उसे लेकर आ जाओ। रुकिए जी, मैं आ रही हूँ। तुम्हें वेट करना पसंद नहीं है ना? हाँ? बच्चा जब पेट में रहता है तो वो लड़का है लड़की जानने के लिए माँ को 9 महीने वेट करना पड़ता है। उस बच्चे का भविष्य क्या होगा यह जानने के लिए उन लोगों को 25 साल वेट करना पड़ता है। कोई इंसान जब एक बार गोल तय करता है तो उसे पाने के लिए उसको सारी जिंदगी वेट करना पड़ता है। वेटिंग इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, अंडरस्टैंड? रुको रुको रुको, 45 हुए हैं, 5 दो, 50 लो। तुम और चेंज मांग रहे हो? तुम अंदर चलो, दो यार। क्यों भैया, तुम मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आए? तुम अंदर तो चलो। हाँ, तुमने किसी लड़के से प्यार करके भैया और भाभी को टाटा बाय बाय करके कहीं अपना अलग संसार तो नहीं बसा लिया? कीर्ति, भाभी आप यहाँ? तुम अंदर तो आओ। ऊटी में तो ठीक थी, पर जब स्टेशन से उतरी तो ये कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। और ये अपना ही घर है। हमारा घर है? हाँ, बाकी बातें बाद में करेंगे, मैंने गर्म पानी रख दिया, तुम जाकर नहा लो। अब अपना घर छोड़कर यहाँ आकर क्यों रह रहे हैं? बड़े भैया कहाँ हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भाभी। तुम्हारे भैया के बिजनेस में थोड़ा लॉस हो गया, बस थोड़े दिनों में दोबारा पिकअप हो जाएगा। वो ऊटी कॉलेज की फीस थोड़ी ज्यादा है, इसलिए तुम यहाँ पर हमारे साथ रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती हो। अब ज्यादा मत सोचो, जाकर नहा लो। आओ। क्या हुआ, कोई कंफ्यूजन है क्या कीर्ति? भाभी ने जो कहा बिजनेस में लॉस हुआ है, वैसा कुछ नहीं है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से? मैंने एक एक्सीडेंट किया था और जिनकी मौत हुई थी उनकी बेटी ने मुझे एक्सक्यूज करने के लिए हमारी पूरी प्रॉपर्टी मांग ली। मुझे जेल में रखना भैया को पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी। ऊटी कॉलेज को छोड़कर तुम्हें मेरी वजह से गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ना पड़ रहा है, सॉरी। ऊटी कॉलेज क्या और गवर्नमेंट कॉलेज क्या? अगर वो भी नहीं रहा तो पढ़ाई बंद करके घर में बैठ जाऊंगी, उससे ज्यादा और क्या होगा? अगर मेरा भाई जेल में रहे तो मैं खुश रह पाऊंगी क्या? बहू, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कभी कभी नहाओगे तो अच्छा ही लगेगा ना पिताजी? नहीं बहू, तुम उसे राखी बांधकर त्योहार मनाने आई हो और मैं उसकी हालत देखकर उस पर हंसने के लिए आया हूँ। क्या?
आप इसलिए आए हैं यहाँ? नहीं तो क्या, तुमने सोचा है कि तुम उसे राखी बांधोगी और मैं तुम पर फूल बरसाऊंगा। अब चलो भैया। बहन तुम? आज राखी का त्योहार है ना, मैं राखी बांधकर आपसे आशीर्वाद लेने आई हूँ भैया। मैं इसको सुबह से ही कह रहा था चक्रवर्ती, जिसकी हालत खराब हो उसके लिए राखी के त्योहार का क्या मतलब, लेकिन बहू है कि सुनती ही नहीं है। आओ बहन बैठो। ये लो बहन, ये लीजिए। फ्रिज के बिना पानी ठंडा कैसे होगा बहू, सादा पानी है बहू, पी लो। ये पानी भी इनके मन की तरह स्वच्छ और ठंडा है। सभी ऐसा सोचेंगे तो बहुत अच्छा होगा बहू। सदा सुहागन रहो। अरे क्या, इतनी दूर से राखी बांधने आई है, खाली आशीर्वाद ही दोगे? भैया का आशीर्वाद ही मेरे लिए करोड़ों के समान है। अरे तुम्हारे बोलने से क्या होगा बहू, कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा इसे। ये क्या है? हल्दी कुमकुम है। अरे क्या इतने से चीज के लिए मेरी बहू यहाँ पर आई है? अरे ये हल्दी कुमकुम तो कहीं भी मिल जाएगा। तुम्हारी नजर में हल्दी कुमकुम की क्या कीमत है मुझे तो नहीं पता, पर मेरी नजर में इसका मतलब औरत के गहनों से बढ़कर होता है। जब कभी कोई औरत घर पर आती है तो उसे हल्दी कुमकुम देने से शुभ मंगल ही होता है, ऐसा बड़ों का कहना है और ये मैं भी मानता हूँ। और बड़े लोगों का ये भी कहना है कि श्री से शुरू होकर सीता माता के बिंदी पर जाकर खत्म होता है। सिर्फ खत्म ही नहीं, और रुक्मणी देवी के मांग में आ जाता है। रूप बदलकर, पीढ़ी बदलकर, देवों के हाथों से गुजरकर हमारे मनुष्य के हाथों यही एक चीज लगी है, और वो है हल्दी कुमकुम। अच्छा, हल्दी कुमकुम के पीछे इतनी बड़ी कहानी है? स्त्री की जिंदगी में हल्दी कुमकुम से बड़ी चीज और कुछ भी नहीं है। जो इंसान इस बात को नहीं समझता उसका जीवन ही व्यर्थ है। अब क्या है, उन्होंने अच्छी तरह से बता दिया, अब चले। उसकी बात मेरे समझ में नहीं आई। रिश्तों के बारे में समझने की समझ आप में नहीं है पिताजी, वो तो खून में ही होता है। अब हम चले। हाँ ये समझ में आया। चलो बहू। हाँ माँ। एक्सक्यूज मी सर। कम इन। सर। व्हाट मिस्टर कल्याण, मैंने तुम्हें बहुत सिंसियर वर्कर समझा था, लेकिन तुम इस तरह से मिसबिहेव करोगे उम्मीद नहीं थी। मैंने क्या किया है सर? तुमने क्या किया ये 10 लोगों ने बताया है, और ये 4 लोग मुझे बताने के लिए खड़े हैं। नाइट शिफ्ट में कल्याण बहुत ही मिसबिहेव करता है सर। कितनी बार समझाया फिर भी ये हरेसमेंट बंद नहीं करता। यू कैन गो। यस सर। मेरे ऑफिस में काम से ज्यादा प्रेफरेंस है बिहेवियर को, और मैंने ये तुम्हें बताया था, अगर ऐसे ही बिहेवियर रही तो मैं तुम्हें ऑफिस में नहीं रख सकता। मेरे इस जॉब से मेरे भैया और भाभी बहुत खुश है सर, ये बात अगर उन्हें पता चल जाएगी तो पता नहीं क्या होगा। प्लीज सर, मैंने सच में कुछ नहीं किया है सर। समझ में नहीं आ रहा ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं सर। 10 लोगों के कंप्लेंट के सामने तुम्हारे अकेले का स्टेटमेंट नहीं चलेगा। प्लीज गेट आउट। सर मेरी बात सुनिए सर। यू आर होस्टेड, गेट आउट एंड गेट लॉस्ट। पोस्ट से उतरकर क्लर्क की पोस्ट पर आ गए, ऐसा लग रहा है। लगता है सब कुछ हाथ से चला गया और तुम फिर से रोड पर आ गए। आए नहीं हो, मैं तुम्हें लेकर आई हूं। उस दिन तुमने अपनी ताकत और पैसों की मदद से मुझे फेल करवाया था। और आज मैंने अपने पैसों का इस्तेमाल करके तुम्हें जॉब से निकलवाया। यही नहीं, तुम्हें दूसरी जॉब ना मिले वो इंतजाम भी कर दिया। और आज के बाद तुम्हें लाइफ में फेल करना ही मेरा लक्ष्य होगा, और मैं अपने लक्ष्य को हासिल करने तक तुम्हें आधे मिनट के लिए भी शांति से नहीं बैठने दूंगी। तुम हंस लो, लेकिन जॉब खोने के डर से तुम्हारी आंखों में आंसू भी देखूंगी। तुम अंदर से दुखी हो ना? अंदर से तो तुम बहुत ज्यादा दुखी हो, लेकिन बाहर से खुश होने का नाटक कर रहे हो। नहीं, मैं सच में ही खुश हूँ। उस दिन जो मैंने गलती की थी उसके बदले तुम्हें प्रॉपर्टी मिली,
तुमने मेरे भैया भाभी को फंसा लिया था। उस दिन मैं सच में दुखी था, लेकिन उन्होंने जो मुझे प्यार दिया और जिस तरह से वो दोनों मेरा सहारा बने, जब तक वो दोनों मेरे साथ हैं मेरी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। हेलो, अरे तुम चक्रवर्ती की पत्नी हो ना, ये क्या हालत बना रखी है? शेयरिंग ऑटो से उतर रही हो, तुम्हारे तो बच्चे भी नहीं है फिर भी तुम इतने तकलीफ में हो। तुम्हारे कोई बच्चा नहीं है इसका कारण मैं कुछ और समझ रहा था, लेकिन लगता है मामला कुछ और ही है। लगता है तुम दोनों के बीच में संबंध ही नहीं है। तुम्हारे पति को देख कर ही समझ में आता है, मेरी बात अगर तुम्हारे समझ में आ गई तो समझो संबंध है, वरना नहीं है। अरे जो प्रॉपर्टी तुमने गंवाई है उसका जिम्मेदार तुम्हारा पति है या तुम्हारा देवर है, अब दोनों में से कोई एक ही है। अब कौन है और कौन नहीं है, तुम्हारा मुंह देखकर समझ में आता है कि तुम्हें कुछ मालूम नहीं है। तुम उसकी बीवी हो लेकिन तुम्हें उसने कुछ भी नहीं बताया। क्या मैंने कुछ गलत कहा? अच्छा अब चलता हूँ। दुश्मन दुश्मन ही होते, वो कभी दोस्त बन ही नहीं सकते। अब आए हैं पति पत्नी के बीच झगड़ा करवाने के लिए। क्या हुआ रमैया? वो जेपी है ना, हमारे घर उस दिन आकर कुछ भी बोलकर चले गए, आज मुझे रास्ते में मिल गए। बोल रहे थे हम दोनों के बीच में कोई संबंध ही नहीं है। बच्चे नहीं हुए तो इसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं। बकवास, सब जानते हैं भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को कोई बच्चा नहीं हुआ, तो क्या वो अच्छे पति पत्नी नहीं, उनमें संबंध नहीं है? बोलने वाले तो ये बोलते हैं कि पति पत्नी के बीच कोई रहस्य नहीं होता। वो तो ये बोल रहा था कि आप मुझे धोखा दे रहे हैं, मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। आप दोनों भाइयों में से आपके पिताजी का असली वारिस कोई एक ही है। पता नहीं क्या क्या बके जा रहा था वो। आपके बारे में ऐसा सुनकर शायद भगवान जी एक बार मान ले, लेकिन आप गलत है। अगर ये भगवान भी ऊपर से आकर बोले तो मैं नहीं मानने वाली हूँ। हाँ, उसने जो कहा वो सच है रमैया। पिताजी की प्रॉपर्टी का हम दोनों में से एक ही वारिस है। आज से तुम्हारा ये भाई है, ऐसे मेरे पिताजी ने कहा था। आज से ये तुम्हारा छोटा भाई है। इसको तुम अपनी जान से ज्यादा प्यार देना। मैं अपनी जान से भी ज्यादा इसका ध्यान रखूंगा। अरे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ये तुम्हारी माँ की निशानी है, इसे तुम जीवन में कभी मत मिटाना। तो फिर भैया के हाथ में क्यों नहीं है? मुझे अकेले के हाथ में क्यों है? अगर ये निशानी भैया के हाथ में नहीं तो मैं भी नहीं रखूंगा। उसने कहा इसीलिए नहीं करवाया था, मेरे पिताजी चाहते थे कि हम एक साथ रहें। कीर्ति के पिता एक ड्राइवर थे, उनकी अचानक से मौत हो गई थी, तो बचपन से ही मैंने उसे अपनी बहन मान लिया था। हम तीनों अलग अलग माँ की औलादे हैं, ये बात तुम्हें भी पता नहीं चलनी चाहिए, इसलिए अब तक मैंने तुमसे छुपाई थी। मेरी माँ का निशान मैंने तो निकाल दिया भैया, लेकिन आपने तो रख लिया। ये क्या है सर, समझ में नहीं आ रहा इसलिए पूछ रहा हूँ। इन समाधियों के बीच कैसे पी सकता हूँ सर? क्यों, तुम्हें भूतों से डर लगता है? वो क्या है, पहले डर लगता था पर अब बिल्कुल डर नहीं लगता। क्यों? भूत तो मेरे आसपास आ ही नहीं सकते क्योंकि मेरे गले में हनुमान जी का लॉकेट है। क्या यही है वो? अरे बाप रे, तुमने इसे चुरा लिया था? मुझे भी भूतों से बहुत डर लगता है, इसलिए
तुम्हें बताया बगैर मैंने पहले ही चोरी कर लिया। एक बार जल्दी से अपनी आँख बंद कर लो और पेक पी लो, डर चला जाएगा। डर चला जाएगा? हाँ, चला जाएगा। कसम से? कसम से? डर भरा है, अब खुद भागेगा। अरे बाप रे। अरे मिस्टर, सिगरेट है क्या तुम्हारे पास? मैं ऑलरेडी टेंशन में और तुम सिगरेट मांग रहे हो। वैसे तुम यहाँ कैसे आ गए? कार ने धक्का दे दिया था। कार ने धक्का? अरे बाप रे। अरे रे 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 रे, क्या हाल बना रखा है तुमने? स्कॉच के सिवा कुछ ना पीने वाले तुम अब यहाँ पर बैठकर कटिंग चाय पी रहे हो? तुम्हें पता है मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ? एक बात याद है तुम्हें? तुमने मुझसे एक बार सवाल किया था कि मुझे कैसे लड़के पसंद है। उस दिन मैंने तुम्हें जानबूझकर बताया नहीं था। मेरा बॉयफ्रेंड अगर बोरिंग हुआ तो उसके पास पीने के लिए एक ब्रांडेड सिगरेट होनी चाहिए। तुम्हारे पास है? अगर मुझे उसके साथ आउटिंग करना हो तो उसके पास बाहर जाने के लिए फरारी कार होनी चाहिए, और कभी कभी एंटरटेनमेंट के लिए कॉकटेल वाली पार्टी होनी चाहिए, और अगर कोई सामने आ जाए तो उस पर फेंकने के लिए बहुत सारी करेंसी होनी चाहिए। ये सब तुम्हारे पास है तो बोलो। यही इसी वक्त इसी टी स्टॉल में तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास प्यार के सिवाय कुछ भी नहीं है। पैसों के बगैर प्यार ज्यादा दिन नहीं टिकता बॉस। तुम्हारी इस पोजीशन को देखकर लगता है कि इस जन्म में तुम मेरे बॉयफ्रेंड तो क्या, मेरे घर में स्वीपर बनने के भी काबिल नहीं हो तुम। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अरे तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तुमने तो फोन भी स्विच ऑफ कर दिया है। अब तुम्हारे लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है। मुझे जहाँ तक पता है तुमने कुछ भी नहीं खोया है। नहीं यार, मैंने सब कुछ खो दिया है सिर्फ एक को छोड़कर। तभी और अभी मेरे पास एक ही चीज बची है और वो है तुम्हारी दोस्ती। कम से कम तुमने मुझे समझा तो सही। थैंक्स कल्याण। हाँ बोलो मैडम, एक टिकट। काचुआ के लिए एक टिकट दीजिए। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा है कि मैं तुम्हें यहाँ से भी निकलवा दूंगी? नहीं निकलवाऊंगी, क्योंकि तुम मुझे इस खाकी ड्रेस में बहुत हैंडसम लग रहे हो। तुम अपनी पूरी लाइफ टिकट टिकट यही चिल्लाते हुए जीना। लास्ट स्टॉप के लिए एक टिकट दे दो। चेंज तुम रख लो। जरूरत नहीं है। हा? लगता है हाथ से प्रॉपर्टी जाने के बाद सेल्फ रिस्पेक्ट आ गई। नॉट बैड। टिकट। ड्राइवर। रमैया। हाँ रमैया। हाँ बोलिए। कल्याण कहाँ है? उसे अभी तक आ जाना चाहिए था, शायद ओटी कर रहा होगा। Oh. बहुत खुश नजर आ रहे हैं, क्या बात है? मैंने एक टेंडर कंफर्म किया है, अब जल्दी हमारे खुशी के पल आने वाले हैं। कांग्रेट्स भैया। मेरी तरफ से भी कांग्रेट्स, मुझे पता था आप दोबारा कर पाएंगे। एक खुशखबरी भाई को देते हैं, मैं उसके ऑफिस जाता हूँ। एक मिनट रुकिए तो सही, कल्याण भी वापस आता ही होगा। नहीं रमैया, प्रॉपर्टी जाने के बाद हम में से किसी ने भी अपना दुख जाहिर नहीं किया, शायद इसी वजह से हमारी ये हालत हुई है। और ये खुशखबरी मुझे इसे बताना जरूरी है। अच्छा ओके सर, अब मैं रखती हूँ। हेलो सर, आपको कौन चाहिए? यहाँ पर अकाउंट सेक्शन में काम करने वाले कल्याण को अर्जेंटली मिलना है। सॉरी सर, अब वो यहाँ काम नहीं करते। माफ कीजिए, पर वो यहीं काम करते हैं और उनका नाम है पी कल्याण कुमार। यहाँ एक ही कल्याण कुमार काम किया करता था, पर उनकी मिसबिहेवियर की वजह से उन्हें एक महीने के अंदर ही निकाल दिया गया है सर। निकाल दिया था? सर 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 सर, आप यहाँ इस हालत में सर, आप इस तरह चलकर क्यों जा रहे हैं सर? सर आपकी इस हालत का कारण आपका खुद का भाई ही है, उसकी एक आदत भी ऐसी नहीं है जो अच्छी है। आज आपके छोटे भाई ने ही आपकी हालत इस तरह से बनाकर रखी है सर।
मैंने आपसे कहा था कि आपका छोटा भाई बिल्कुल राम के समान है, और अगर मैं आपसे ऐसा नहीं कहता सर तो वो मुझे जान से मार देता सर। आप उस पर भरोसा मत कीजिए सर, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सर, आप उस पर भरोसा मत कीजिए सर। भैया ऑफिस में सारे लोग मेरे काम से बहुत खुश हैं, और अगले ही महीने मुझे प्रमोशन देने की बात की है उन्होंने। कल्याण तुम्हारे भैया कहाँ हैं? साथ में नहीं आए? भैया तुम्हारी उनसे मुलाकात नहीं हुई? मैंने उन्हें कितना समझाया, कल्याण का आने का टाइम हो रहा है, आप मत जाइए। सुने ही नहीं, कहने लगे मेरे नाम से टेंडर निकला है, और ये बात बताने के लिए मैं कल्याण के पास खुद जाऊंगा, वो सुनेगा तो खुश हो जाएगा, ये कहकर तुम्हारे ऑफिस के लिए खुद निकल पड़े। तुम घर वापस आ गए, वो तुम्हारे ऑफिस चले गए होंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढ रहे होंगे तुम्हें। नहीं भाभी, भैया मेरे पास ही आए थे। अच्छा आए थे? हाँ भाभी। फिर तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? उन्होंने अर्जेंटली भैया को बुलाया था, लेकिन भैया को अर्जेंटली कहीं और किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में जाने की जरूरत पड़ गई। तो जहाँ तक मुझे पता है भैया को लौटते लौटते एक हफ्ता तो लग ही जाएगा। 1 वीक लगेगा? एक बार मुझसे कहकर तो जा सकते थे। कोई बात नहीं, तुम जाकर खाना खा लो। नहीं भाभी, मैं ड्यूटी पर हूँ। कल्याण बदल गया है, ये जिम्मेदार हो गया है, अब तो खाने पीने का भी होश नहीं है इसे। चलो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, कम ऑन। मेरे भाई की तबीयत कैसी है? प्लीज सिट डाउन। मैंने रिपोर्ट्स देखे हैं, डेफिनेटली पेशेंट किसी मानसिक तनाव के कारण ट्रॉमा में है। हार्ट में ट्रिपल वर्सेस डिसीज होने के कारण बाईपास ग्राफ करना होगा, तकरीबन 15 लाख तक खर्चा हो सकता है। सब्जी खरीदने आई है क्या भाभी जी? अपनी पति की सेहत के लिए? आपको ये बात सुन के मारने का मन कर रहा होगा ना? गुस्सा तो आएगा ही, पर इस गुस्से को आप अपने देवर के लिए बचा कर रखिए। कभी आपका देवर बीमार ना हो जाए, उसे कुछ हो ना जाए, यही फिक्र रहती थी, पर उसी देवर ने आपके पति को आज पेशेंट बना कर रख दिया। जब भरोसा टूट जाता है ना, तो साथ ही दिल भी टूट जाता है। इतने दिनों तक जिसे आपने पाल कर रखा, वो तो आस्तीन का सांप निकला, और आपके पति ये सह नहीं पाए। सिटी हॉस्पिटल में वो अभी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। जाइए ना, जाकर देखिए कि कहीं उन्हें दूध पिलाना है या ग्लूकोज चढ़ाना है, आप ही चेक कर लीजिए। भाभी, भाभी! भैया को क्या हुआ है बताओ? हार्ट अटैक आया है, डॉक्टर कह रहे हैं ऑपरेशन करना होगा। यहाँ वो इतने सीरियसली एडमिट है, और मैं वहाँ घर में खुशियाँ मना रही हूँ, ऐसा हाल किसी भी पत्नी के साथ ना हो। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। भाभी मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ भी नहीं सुनना, चले जाओ, चले जाओ।
भैया तुमने ऐसा क्यों किया? उनकी हालत के बारे में तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। बाहर की एक लड़की के बताने के बाद हम कितने परेशान हो गए। भैया को वहां देखकर भाभी बहुत इमोशनल हो गई थी। उनके बारे में सब कुछ जानने के बाद गुस्से में आकर मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, लेकिन तुमने मुझसे सच्चाई छुपाई क्यों? मैं सह नहीं पाऊंगी, इसलिए उस समय मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, इसलिए अब मैं तुमसे माफी मांगती हूँ कल्याण। मुझे अपनी माँ समझकर माफ कर दो। आज तक मैंने तुमसे कोई मदद नहीं मांगी है, लेकिन आज तुमसे मांगती हूँ कल्याण। तुम्हें अपने जान से बढ़कर चाहने वाले भाई की जान को बचाना होगा, उन्हें वापस लाना होगा, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट को वापस ला दो। मेरे सुहाग की जिंदगी बचा लो कल्याण, प्लीज कल्याण, मुझ पर ये मेहरबानी कर दो। मैं जिंदगी भर ये उपकार नहीं भूल पाऊंगी कल्याण, नहीं भूल पाऊंगी। माँ और बेटे के बीच माफी नहीं होती, सिर्फ रिश्ता होता है। भाई को बचाने की जिम्मेदारी मेरी। अरे सैडिस्ट कहीं के, पुस्तक पढ़ पढ़ के लोगों की जान लेने के तरीके ढूंढता है। आज तो तू गया बे। ये क्या अचानक बिजली चली गई? ओम राजा, अरे ओम राजा, आजा रे, मुझे तुम्हें अंधेरे में मारने का मन कर रहा है। आ रहा हूँ बे, देख आज तेरी क्या हालत करके रखता हूँ मैं। ओम राजा, आज तो तुम्हें मारना है। वो कौन है जिसने छोटे मालिक पर हाथ उठाया? हाथ क्या, पैर भी उठाया कमीने ने, युद्ध हो रहा है यहाँ पर। क्या पैर से भी मारा? ए, जिसने तुम्हें जिंदगी दी उसे भगवान को पैर से मारते हो? तुम्हारे पैर टेढ़े हो जाएंगे। क्या तुम हो? क्या तुम हो? नहीं। तुम हो? मैं भी नहीं। अगर तुम लोग नहीं हो तो फिर मैं भी नहीं हूँ। करण जाने के बाद मारा, इसका मतलब वो हमारा आदमी है। ये काम उन्ही लोगों का है जिसे तुमने मारा है। मैंने बहुत लोगों को मारा है, अगर सब लोग मुझे मारेंगे तो मैं जिंदा थोड़ी रहूंगा। चले जाओगे? आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए छोटे मालिक, आपको जिसने मारा है मैं उसे ढूंढ के रहूंगा। लेकिन कब? जब वो फिर से मारने आएगा तब। मतलब मुझे डबल मार खाना पड़ेगा? अगर उसे पकड़ना है तो मार तो खाना ही पड़ेगा। बिंदु तुम यहाँ? तुम पैसे के लिए भाग रहे हो और मैं तुम्हारे प्यार को पाने के लिए। अगर मैं तुम्हारे पास हूँ तो तुम्हें किसी और के पास जाने की क्या जरूरत है? तुम्हारी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगी। ये लो बेटा, ये पैसे तुम रख लो और अपने भाई का ऑपरेशन करवाओ। थैंक यू सर। इसकी क्या जरूरत है, तुम्हारे भैया जैसे ही अस्पताल से बाहर आएंगे बिंदु और तुम्हारी एंगेजमेंट कर देंगे। एंगेजमेंट? हाँ, मेरी बेटी तुम्हें कितना प्यार करती है, लेकिन उसने कहने में तुम्हें देर कर दी। तुम जिससे प्यार करते हो तुमसे नफरत करती है। हाँ, मैंने जो गलती की उसके लिए नफरत ही सही है। मतलब क्या तुम अभी भी उससे प्यार करते हो? दिन में सूरज उगता है और शाम को ढल जाता है और फिर सुबह उगता है। उसी तरह जब किसी से एक बार प्यार हो जाए तो फिर वो खत्म नहीं होता। खत्म हो गया तो वो प्यार प्यार नहीं और वो दिल दिल नहीं। मैं अपने मन को समझा कर ये पैसे ले जा रहा हूँ और शायद अपने भाई को बचा भी लूंगा, लेकिन आपकी बेटी की जिंदगी खराब नहीं कर सकता। ये पैसे आप ही रखिए। सॉरी बिंदु, मैं शायद तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाया। तुम्हारे भाई की जिंदगी से बढ़कर है तुम्हारा प्यार? जब तक मैं जिंदा हूँ मेरा भाई जिंदा रहेगा। सच्चाई और सपने में बहुत अंतर होता है बेटा, जा रहे हो तो जाओ। कल्याण, पापा ये पैसे उसे दे दीजिए। उसकी बात सुनने के बाद तुम्हारी नहीं सुनूंगा। आंसू गड़बड़ है भैया, सर्टिफिकेट रख के पैसे मिला है क्या? तू हर बार सर्टिफिकेट लेके क्यों चलाता है भला? ये सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं है सर, ये मेरा फ्यूचर है। अरे इसको गिरवी रखने से पैसे को नहीं मिले है, सोना गिरवी रखना पड़ता है भाई। पता है सर, लेकिन मेरे पास और कोई सोर्स नहीं है। ये मेरी पहली जीत है जो मैं अपने भाई को दिखा सकता हूँ। अगर तू इसे वापस लेने कोड़ी आए तो मैं क्या पुड़िया बांधोगे? सर मैं चक्रवर्ती का भाई हूँ, मैं कभी किसी को धोखा नहीं दे सकता। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा मुंह देख के नहीं, थारे बड़े भाई को मुंह देख को पिया दे रहे हो। ले जो।
हाँ बताओ सर, ये दो प्रॉब्लम्स हैं। गुड डॉक्टर, पैसे रेडी हो गए। ओके, वी विल डू इट टुमारो। थैंक यू डॉक्टर। हेलो, पैसे काउंटर पर जमा कर दो। भाभी भाभी, ऑपरेशन के लिए मैंने पैसे जमा कर दिए। लेकिन पैसे, मेरा सर्टिफिकेट गिरवी रखकर मैंने पैसे लाए। सर्टिफिकेट गिरवी रखकर आए हो? सर्टिफिकेट क्या है भाभी, जरूरत पड़ने पर मैं अपने भाई के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। कल ऑपरेशन है और कल ही हमें अस्पताल जाना है। कल्याण, तुम इस वक्त मेरे देवर ही नहीं, मेरे पति की जान बचाने वाले भगवान भी हो। भाभी, अगर आप मुझे भगवान का दर्जा दोगी तो मैं आपको और भैया को क्या दर्जा दूंगा? डॉक्टर, भैया अभी तक आईसीयू में ही है, उनका ऑपरेशन कब तक होगा? ऑपरेशन के लिए पहले अमाउंट पे करनी होती है। ये क्या सर, कल ही तो मैंने अमाउंट जमा किया था। कल तुमने मुझे पैसे दिए? कब? हाँ सर, कल ही तो मैंने आपके टेबल पर पैसे रखे थे, आप याद कीजिए सर। ओह माय गुडनेस, तुम तो कल मुझे मिले ही नहीं। ये क्या सर, जब मैं पैसे दे रहा था तब आपके साथ नर्स भी थी। हॉस्पिटल में डॉक्टर के साथ हर वक्त नर्स होती ही है। सिस्टर, जब मैंने पैसे दिए तब आप वहीं पर थी ना? लेकिन कल तो मैं ड्यूटी पर नहीं थी, आज ही आई हूँ। और अगर तुमने पेमेंट किया था तो रिसिप्ट तो मिली होगी। रिसिप्ट? वो लेने के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। भाभी, मैंने पैसे जमा कर दिए थे, पता नहीं डॉक्टर साहब इस तरह से क्यों बोल रहे हैं। आप सच बोलिए डॉक्टर साहब, मेरे भाई की जान का सवाल है। अरे मैं प्यार से बोल रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे हो। मैंने अमाउंट पे नहीं किया है, सच बोल वरना तेरी जान ले लूंगा, सच बोल। कॉलर से हाथ उठा लो। मेरे बेटे का ऑपरेशन के लिए 50,000 कम थे, फिर भी इन्होंने ऑपरेशन कर दिया। हाँ, मेरे बेटी का भी ऑपरेशन इन्होंने किया था। देख लिया मैडम मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और इसका कैरेक्टर तो आपको पता ही होगा, शायद ये हमेशा सपनों की दुनिया में रहता है। उसे जरा सपनों की दुनिया से बाहर लाइए मैडम। भाभी, मैंने सच में इनको पैसे दिए हैं, आप तो भरोसा कीजिए। तो फिर डॉक्टर साहब ने ऐसा क्यों कहा? जब तुम स्नेहा से प्यार करते थे तो उसके ख्यालों में खोए रहते थे, आज तुम्हारे भैया बीमार हैं तो पैसे भी तुमने ख्यालों में लाए होंगे। मेरी बात मानो, चलो यहाँ से। ऐसा नहीं है कीर्ति, मैंने पैसे दे दिए हैं, तुम तो मुझ पर भरोसा करो। मैं सच कह रहा हूँ। अगर मेरी सुहाग की जिंदगी लंबी है तो वो बच जाएंगे, अगर नहीं है तो नहीं बच पाएंगे। चलो। क्या हुआ, तुम अपने भाई को बचा लोगे ऐसा सोच रहे थे क्या? जहां तुमने मेरे पापा को भेजा है उसी जगह पर मैं तुम्हारे भाई को भी भेज कर रहूंगी, और इसीलिए मैंने डॉक्टर से झूठ बुलवाया था। तुम किसी तरह अपने भाई का ऑपरेशन करवा लो, मैं तुम्हारे बीच में नहीं आऊंगी। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, अगर तुम्हारे भाई ऑपरेशन के बाद बाहर आ भी गए तो हो सकता है कि ऑटोमेटिकली उनकी मौत हार्ट अटैक से हो जाए। जब उन्हें पता चलेगा कि इतनी मेहनत से वो जिस भाई को पढ़ा रहे हैं वो अब फॉरेन नहीं जा सकता, तो इस बात को सुनकर उन्हें सदमा लग सकता है। अब तुम ये सोच रहे होगे कि मैं फॉरेन क्यों नहीं जा सकता। वैसे एक बात बता दूं, सर्टिफिकेट को गिरवी रखकर पैसे कौन देता है? मैंने ही दिलवाए थे। ये रहे वो सर्टिफिकेट्स, तुम्हारी पहुंच फुटपाथ तक ही है, ना कि फॉरेन तक। झटका लगा ना, अंदर से दुखी हो रहे हो? वैसे इस वक्त तुम्हें रोना तो आ ही रहा होगा, है ना? तुमने मेरा सर्टिफिकेट फाड़कर फेंक दिया, इस बात का मुझे जरा भी दुख नहीं है। कल तक मैं किसी तरह कुछ ना कुछ बनकर अपने भाई को साबित कर ही दूंगा, यही मेरा लक्ष्य था। लेकिन अब मेरे भाई को बचाना और भाभी की आंखों में खुशी देखना, ये मेरा लक्ष्य है। मेरे जितने भी रास्ते हैं वो सारे के सारे तुम बंद कर दो, लेकिन मेरे भाई से कभी मुझे अलग नहीं कर सकती। कर सकती हूँ और करके दिखाऊंगी भी। ओम राजा, हे भगवान। ये
क्या है गोपात्रा, तुम्हारी ये हालत किसने की? पूरा शरीर ब्लैक बोर्ड की तरह काला क्यों हो गया? इतना मारा उस साले को कि पागल ही हो गया होगा। एक बार आप सब लोग लाइन में खड़े हो जाइए प्लीज। वो क्यों गोपात्रा? जिसने आज मुझे पंच मारा है उसे पकड़ने के लिए मैंने एक स्कीम बनाई है। क्या फिर से तुम उससे मार खाने वाले हो? नहीं बेटे, मैंने ये अपने बदन पर काला रंग क्यों थोप रखा है? जिसने मुझे मारा है उसके हाथों में ये रंग लगा होगा। उस आदमी का पता चलने के बाद मैं उसे एक ब्लैक बेल्ट की तरह मार दूंगा, मार दूंगा, मार दूंगा, मार दूंगा, मार दूंगा, मार दूंगा। लाइन में रहो। ओम राजा आ जाओ। पर मैं क्यों? आओ उस लाइन में खड़े हो जाओ। तुम मुझ पर भी शक कर रहे हो? मैं तो तुम्हारे पापा जैसा हूँ ना बेटा। मैं बेटे जैसा हूँ इसलिए लात नहीं मार रहा हूँ। जाकर लाइन में खड़े रहो। क्या खड़ा होना जरूरी है? आ जाओ। खड़े हो जाओ ओम राजा, तुम निर्दोष हो तो डर क्यों रहे हो? चुपचाप खड़े हो जाओ। चलो इधर घूम जाओ। हाँ घूम रहा हूँ ना। चलो हाथ उठाओ। अब देखता हूँ कौन है चोर। हाथ उठाओ, देख लो। देखो, देख लो। कहीं अपने हाथ साफ करके तो नहीं आया? पापा ओम राजा। बोलो बेटा। आप ही थे क्या जो इतने दिनों से मेरे साथ चोर पुलिस का खेल खेल रहे थे? क्या तुम्हें पता चल गया? जैसे मेरी बॉडी से तुमने ब्लैक कलर निकाला है वैसे तुम्हारी बॉडी से अब मैं रेड कलर निकालूंगा। ये जूस पी लो बेटी। आजकल तो मुझे सपने भी नहीं आते। तुम सोओगी तभी तो सपने आएंगे ना। वैसे भी दिल की बात बताने के लिए कोई मुहूर्त नहीं देखता है बेटी। खैर वो सब छोड़ो। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो तुम जिससे प्यार करती हो वो चाहे जहाँ भी होगा तुम्हारे पास ही आएगा और तुमसे ही शादी करेगा। क्या इस ग्रुप की किडनी नहीं मिलेगी क्या? ट्राई कर रहा हूँ डैडी, मिल जाएगा। नहीं क्या होगा बेटा, पेपर में मैंने आपका एड देखा, आप आनंद कुमार है ना? जी हाँ। आपने जिस ग्रुप की किडनी का एड दिया है उस ग्रुप की किडनी मेरी है। वैसे आपको किडनी किसके लिए चाहिए? मेरी माँ के लिए। उनके ग्रुप की किडनी नहीं मिलने की वजह से उनको काफी तकलीफ हो रही है भाई। किडनी देने पर आप कितना अमाउंट दे सकते हैं? 2 लाख। आपकी माँ की जान की कीमत 2 लाख रुपए है? हम किसी की जान की कीमत नहीं लगा सकते, सिर्फ हम उनकी जान बचाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। आपकी माँ की जान बचाने के लिए आपको किडनी की जरूरत है। मैं अपने भाई की जान बचाना चाहता हूँ इसलिए मैं अपनी किडनी बेचना चाहता हूँ। जान की कीमत सिर्फ जान है। वैसे मैं आपके माँ की जान बचाऊंगा और आप मेरे भाई की जान बचाएंगे, प्लीज। क्या तुम अपने भाई को बचाने के लिए किडनी बेच रहे हो? उनका कर्जा चुकाने के लिए मेरा एक जन्म काफी नहीं है सर। आप इस एग्रीमेंट के लिए तैयार हैं? ओके, मैं तैयार हूँ। आनंद कहाँ है? मैं भी उसी को ढूंढ रहा हूँ बेटा। पूरी रात वो घर नहीं आया, अभी तक यहाँ भी नहीं आया। कल रात से बहुत परेशान हूँ बेटा। क्या कह रहे हैं? वो आपके पास मेरे कुछ पैसे छोड़कर गए हैं क्या? नहीं बेटा। आप बैठिए, मैं देख कर आता हूँ। आपने आनंद को देखा है? जी नहीं। कोई चक्रवर्ती के नाम से पेमेंट छोड़कर गया है क्या? नहीं छोड़ा है। मैंने दोस्त चक्रवर्ती के भाई को बड़ा बेगैरत समझा था लेकिन अपने भाई की जान बचाने के लिए उसने अपनी किडनी तक बेच दी। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि चक्रवर्ती का भाई ऐसा करेगा। अब अगर उसको मारना है तो हम लोगों को उसके भाई को किसी भी तरह की हमें कोई मदद नहीं करनी है। देखो अब तुम जाओ और 4 दिन रेस्ट करो ताकि वो वहाँ ऊपर जा सके। भाभी
लीजिए पैसे भाभी। इतने सारे पैसे कहाँ से आए? ये गलत काम से कमाया हुआ पैसा नहीं है, ये सच में मेरी मेहनत का पैसा है, आपकी कसम। इन पैसों से भाई की जान बचा लो। क्या हुआ, आपको मेरे घर तक आना पड़ा ये जानकर कि आपका देवर आपके पति को अब नहीं बचा पाएगा, इसीलिए मुझसे मदद मांगने आई है? हाँ नहीं, मेरे पति की जान मेरा देवर ही बचा रहा है, यही बताने के लिए आई हूँ। ये देखो पैसे मेरे देवर ने मुझे दिए, अब इन्हीं पैसों से मेरे पति का ऑपरेशन होगा। तुमने अपने नुकसान की भरपाई ये पैसे देकर की है, मेरा देवर उसकी भरपाई प्यार से करेगा। उस दिन मैंने तुमसे 10 दिन की दोस्ती मांगी थी, पता है क्यों? ताकि दूर से जो तुम उसमें बुराइयों को देख रही थी उसे नजदीक से देखोगी तो उसके मासूम दिल को समझ पाओगी, उसके प्यार के भावनाओं को समझ पाओगी। लेकिन तुम तो कुछ समझ ही नहीं पाई, और एक बात कहूं, अभी भी तुम जो कुछ भी कर रही हो गलत ही कर रही हो। अपने दिल में झांक कर देखो, उस दिन तो तुम अमीरी और गरीबी के फर्क के बारे में बहुत कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी मुझे, लेकिन प्यार में तो पैसे का कोई मतलब नहीं होता, प्यार करने वाले सिर्फ प्यार से ही मतलब रखते हैं, ये बात याद रखना। प्यार को पैसों से हरगिज खरीदा नहीं जा सकता, पैसों के जोर पे प्यार नहीं होता। आइंदा पैसों के दम पर कल्याण को तंग मत करना, वो तो तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैंने कल्याण को हर तरह से रोकने की कोशिश की, फिर भी ऑपरेशन के लिए उसके पास पैसे कहां से आ गए? भैया चक्रवर्ती का ऑपरेशन हो गया और 2-3 दिन बाद वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो जाएगा, और फिर बाहर आकर उसी के चलती रहेगी। चक्रवर्ती ए चक्रवर्ती, तू तो ऊपर जाएगा मैं ऐसा सोच रहा था, लेकिन तू तो वापस घर जा रहा है। जब से हमारे घरों में दुश्मनी शुरू हुई है, क्या तुम्हें पता है कि हमने पहली बार संक्रांति का त्योहार कब मनाया था? तुम जब अपनी प्रॉपर्टी से हाथ धोकर रोड पर आ गए थे। अब जब हमें इसकी आदत हो चुकी है तो तुम ये क्या कर रहे हो? अब क्या करें, हम तुम्हारे सामने तुम्हारे भाई को मारने आए हैं ताकि उसको मरता देखकर उसके गम में तुम तो ऐसे ही मर जाओगे। अब जब ऐसा हो जाएगा तो हम लोग अपने घर जाकर धूमधाम से दशहरा मनाएंगे। काट दो उसको।
अरे चक्रवर्ती, तेरे दिल का ऑपरेशन हुआ है फिर भी इतना दम। जिसके सीने में दिल होता है वो हमेशा आगे बढ़ता है। वो सब ऑपरेशन होने से पहले था, लेकिन अब तुम्हारा ऑपरेशन हो चुका है, तुम्हें तो घर जाकर आराम करना चाहिए। दिल सिर्फ लड़ना जानता है, वो आराम करना नहीं जानता है। इस दिल पर बस एक बार चोट लगी थी, जब मेरा भाई गलत रास्ते पर था, और आज जब मैं देख रहा हूँ कि वो बहुत बदल गया है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम अपने छोटे भाई को बचा लोगे? बड़ा भाई छोटे भाई को नहीं बचाएगा तो और क्या करेगा? छोटे भाई की रक्षा करना बड़े भाई का कर्तव्य है। अब देखो क्या होता है। जान को बचाना कितना मुश्किल होता है ये मैं जान गया हूँ, इसलिए तेरी जान को बख्श रहा हूँ। इसके बाद अगर तूने मेरे भाई की तरफ आंख उठाकर भी देख लिया तो तुझे उठाने के लिए 4 लोग आएंगे। सर, इस वक्त कल्याण को देखकर आपको बहुत खुशी हो रही होगी, लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है। आपको पता है कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ सर? आपकी प्रॉपर्टी लौटाने आई हूँ। मैंने आपसे जो प्रॉपर्टी ली थी वो अपने लिए नहीं ली थी, आपके भाई में बदलाव लाने के लिए ली थी। एक आदमी की जान की कीमत क्या होती है ये साबित करना चाहती थी, और इसी वजह से मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। और फिर मेरे पापा की मौत का कारण बताकर मैंने आपकी प्रॉपर्टी को अपने नाम करवा लिया। पैसे से प्यार नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन पैसों से जिंदगी खरीदी जा सकती है। लेकिन अगर प्यार की कीमत नहीं होगी तो उसकी जिंदगी में कुछ नहीं होगा सर। इसीलिए काले चश्मे से दुनिया को देखने वाले कल्याण को एहसास कराने के लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा सर। कल्याण ने आपको बचाने की हर कोशिश की, और उसकी हर कोशिश में मैं बीच में आकर रोड़े अटका रही थी। इसके बावजूद भी कल्याण पीछे नहीं हटा, हर मुमकिन कोशिश करके उसने आपको बचाया है। आपने जिन लोगों की मदद की थी वो सारे लोग आपको बचाने के लिए आगे आए थे, पर मैंने उन सबको ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था, और आज मुझे अपनी गलती का पूरा एहसास है। एक बार पलट कर देख लीजिए सर। यस सर, ये चाहती थी कि कल्याण आपकी जान बचाए, इसलिए इन्होंने हम सबको मना कर दिया, और आप जब ठीक होकर के बाहर आएंगे तो आपको एक नया कल्याण देखने को मिलेगा, इसलिए स्नेहा जी ने ऐसी शर्त रखी थी। कल्याण पैसे लाने में असमर्थ हो गया, आपका ऑपरेशन समय से कराना बहुत जरूरी था, इसीलिए स्नेहा ने पैसे जमा कर दिए थे। लेकिन कल्याण की जीत हुई है और मैं हार गई हूँ। मुझे नहीं लगता था कि ये इतने सारे पैसों का इंतजाम भी कर पाएगा। पता है वो पैसा कहाँ से लेकर आया? तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तुम्हारी किडनी का ऑपरेशन हुआ है ना, जाओ जाकर रेस्ट करो। सिस्टर, मैं किडनी ऑपरेशन की वजह से ऐसा नहीं हूं,
मैं अपने भाई की जान नहीं बचा पा रहा हूँ। इस बात का मुझे दुख है, मैं पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया। मेरे भाई को बचाने के लिए मेरी जान के अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर उनको नहीं बचा पाया तो मैं भी जी नहीं पाऊंगा। मेरी बॉडी का कौन सा पार्ट चाहिए वो बोलिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। परिवार के लिए जीने वाले मैंने कई लोगों को देखा है, लेकिन परिवार के लिए अपनी जान देने वाले तुम अकेले को देख रही हूँ। तुम जिस हालत में हो, डॉक्टर होने के नाते मेरा ऐसा कहना गलत है, लेकिन अगर तुम अपने भाई को बचाना चाहते हो तो एक इंसान होने के नाते ये सलाह दूंगी कि एक फार्मास्यूटिकल रिसर्च सेंटर है, वहाँ पर नए नए ड्रग्स पहले जानवरों पर और फिर इंसानों पर रिसर्च करते हैं, और इस टेस्ट के लिए काफ़ी बड़ा अमाउंट दिया जाता है और फिर मार्केट में रिलीज होता है। पर इस रिसर्च में कई बार जान जाने की संभावना होती है, कई हेल्दी लोग भी इस टेस्ट को नहीं सह पाते हैं, और तुम तो ऑलरेडी एक किडनी दे चुके हो। इस बारे में ठीक से सोचो, उसके बाद मुझे बताना। इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है, अगर मेरे भाई की जान बचती है तो इसके लिए मैं कितने भी तकलीफ और दर्द सहने के लिए तैयार हूँ। मैं इस टेस्ट को जरूर पास करूंगा, क्योंकि अब मेरी जान ही मेरे भाई की जान बचा सकती है। पता था कल्याण कि तुम ये टेस्ट जरूर पास करोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर इस वक्त तुम्हारे परिवार के लिए प्यार है, और प्यार सिर्फ लोगों को बचाता है, मारता नहीं है। और मुझे ये लग रहा था कि वो एक जान की कीमत जरूर समझेगा, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो अपनी जान जोखिम में डाल देगा। आपकी जो प्रॉपर्टी है वो तो मैं वापस दे सकती हूँ, लेकिन मैं इसकी किडनी वापस नहीं लौटा सकती। मुझे माफ कर दीजिए सर। ये प्रॉपर्टी के पेपर्स है सर। नहीं बेटा, तुमने मेरे भाई की वजह से अपने पिता को खोया है, और तुमने उसे माफ भी किया है, इसलिए मुझे ही तुम्हें थैंक्स बोलना चाहिए। तुम मेरे भाई के अंदर बदलाव लाना चाहती थी, इसलिए तुमने मेरी प्रॉपर्टी को मांगा। मेरे भाई से बढ़कर कोई प्रॉपर्टी नहीं, दी हुई चीज हम लोग वापस नहीं लेते। आपकी प्रॉपर्टी मेरी बेटी ने क्यों ली ये तो बताया, लेकिन आपके भाई को क्यों बदलना चाहती ये नहीं बताया, क्योंकि मेरी बेटी आपके भाई से बहुत प्यार करती है। इस बारे में मुझे पता नहीं था, इसलिए गलत समझ रही थी। जिस आदमी से वो प्यार करती है उसे वो तकलीफ दे रही है, लेकिन खुद भी दुख सह रही है। जब मुझे पता चला तो मैं आप लोगों से छुपा नहीं सकी। कल्याण, मुझे भी स्नेहा के बारे में पता चल गया है। तुमने जिससे प्यार किया वो अलग ही है, तुम दोनों बेमिसाल हो। स्नेहा ने तुम्हें सुधारने और जिम्मेदार बनाने के लिए खुद को सबके सामने बुरा बना लिया। उसका प्यार सच्चा है। She's the perfect girl for you. अगर आज ये सब मुझसे प्यार कर रहे हैं तो वो सब तुम्हारी वजह से। जिंदगी जीने के लिए स्वास्थ्य की जरूरत होती है, और हम जिंदा है ये बताने के लिए हमें एक परिवार की जरूरत होती है। इस बारे में मुझे जरा भी पता नहीं था। मैंने अनजाने में बहुत कुछ मिस किया है और बहुत गलतियां कर बैठा हूँ। प्यार को जब मैं नहीं समझता था, तब से मैंने तुमसे प्यार करना शुरू कर दिया। मैं समझता था कि तुम ही सिर्फ मेरी दुनिया हो, लेकिन जब मैं
भाई भाभी और बहन के प्यार को समझने लगा तो तुम्हारे ऊपर का प्यार मुझे कम लगने लगा। मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं दुनिया के बारे में कुछ जानता ही नहीं हूँ, इसलिए सबसे पहले मैं अपने परिवार के बारे में सोचूंगा, फिर तुम्हारे बारे में, और यही मेरा फर्ज है, मुझे माफ कर देना। मैं हमेशा अपने देवर को राजा के रूप में देखना चाहती थी, लेकिन आज ये मुझे महाराजा दिख रहा है। ये जल्द ही अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करके तुम्हारे पास लौट आएगा।